A second mask is on. Right. Is that okay? Done. All okay. Good to go. Radhe Radhe to all. Jai Krishna to all. Welcome, welcome, welcome. Radhe Radhe. राधे 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 आप सबका आज के सेशन में, आज का सेशन किस पे है? प्लीज हैंड रेस करके बता दीजिए. हेमा मैम एक बार तो हैंड डाउन कर लो, हैंड रेड करके बताओ कि आज का सेशन किस चीज पे है. विजय भाई बताओ किस चीज का सेशन है, बस पूछो. बताओ भाई, अनम्यूट करो कुछ विजय भाई, वन बाय कुछ वन. कुछ जिनका तोमर गैस करो, आज का सेशन किस चीज पे साहब है? सर बताएंगे, आप वो तोमर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं. डाउजिंग डाउजिंग पे, क्या होती है ये बता दो. सर पेंडुलम सर ने लास्ट टाइम सिखाया था सर, इसे बहुत हेल्प मिलती है। जो क्वेश्चंस के आंसर हमें न्यूमरोलॉजी वगैरह से नहीं मिलते, इससे मिल जाते हैं पेंडुलम से। अच्छा ओके, हाँ क्या जी सर। बात है भाई। फिर दूसरे वन मिनट करो, सर इनको मैंने बताओ. अपने बेटे के लिए पूछा था कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। सर एक्यूरेट, एकदम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि इतने मार्क्स आएंगे सर, तो उसके इतने 59 के 59 मार्क्स आए थे सर। तो सर आपने हमें मिठाई तो खिलाई नहीं, मेरे को और राहुल भाई को. आप तो चाय ज्यादा पीते हो ना, आपको इनवाइट भी किया था सर, जब भी चिकन आया था आप जरूर आना चाय के लिए। पक्का लास्ट पक्का टाइम भी गॉड किया ब्लेस, था सर। सर पक्का पक्का. थैंक यू थैंक छतरपुर यू में सर अन्ना जी, बोला ही था सर, जब भी आए तो बताइएगा। पक्का. डन 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 राधे राधे गुरु जी। डन. राधे 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 जी. स्वामी दयाल सिन्हा जी, कैसे हैं आप? राधे राधे श्री मैं राधे 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 राधे, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। जी. बहुत बढ़िया सर, हमेशा रहे आप, राधे रानी की कृपा हमेशा रहे आप पे, हमेशा फिट एंड फाइन रहे आप, अपना और दूसरों का भला करते रहे. बस राइट राधे विजय रानी भाई, से यही आई एम प्रार्थना. बैक. सो बचपन में सॉरी मैंने एक बार फॉर दिस देखा था। इनकन्वीनियंस. राधे राधे टू ऑल. जय गुरु जी. आज सोमिल भाई क्या बताया, किसकी क्लास है आज? सोमिल भाई बताओ आज किसकी क्लास है? किसकी क्लास है सर? आज डाउजिंग की क्लास समर है सीधी कर लो प्रभु, और आज इसमें सीखने वाले हो, पेंडुलम बहुत कुछ से, सीखने वाले हो. प्रैक्टिकल क्लास इसमें है. जी जी बिल्कुल, इसमें पेंडुलम से हम अपने सवालों के आंसर प्राप्त बिल्कुल. करते हैं। और ये मैं बचपन में एक बार किसी ने मेरे को करके दिखाया था, अच्छा ओके. मैं सबका गवाह हूँ। मैं करीबन 40 साल पहले, अरे वाह, मैं साठ चलो. साल का हो गया हूँ। अरे अच्छा जी, डन डन. जी सो ड्राउजर, आज बात करेंगे हम लोग. ड्राउजर ड्राउजर मतलब अज्ञात को ज्ञात करना ही एक ड्राउजिंग को बोला जाता है. मतलब जिस विषय में आपको कुछ भी नहीं पता, कि आज एक छोटी सी सर बताते हैं कि नाम मेरे लिए आपके लिए 41 का नाम रख लूँ. सर बताते ना, 41 पे अपना नाम रख लो, क्या वो सही है? उसको भी चेक करने का तरीका डाउजिंग के अंदर ही है. राइट, अगर चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो. मतलब इतनी गुण बात बता रहा हूँ. जैसे अभी किसी ने अपना बताया कि हम बच्चे का एग्जैक्ट मार्क्स पता कर लिया गया. राइट, हालांकि उसको मना किया गया था, उसने फिर भी किया. पर जी आप ऐसी चीज जिसके आंसर आपको जीवन में कभी नहीं मिले, जिसके जवाब आपको जीवन में कहीं नहीं मिलते हैं, उन सब के जवाब आपको डाउजर देता है. इज दिस समथिंग इंटरेस्टिंग? ऐसा लग रहा है सर, हिला के बोलो, कैमरा खोल के बोलो तो मजा आए, समझ आए. इज दिस समथिंग इंटरेस्टिंग और नॉट? राइट, मुझे आवाज तो आई नहीं मुझे, तो आपको लग रहा है इज इंटरेस्टिंग और नॉट? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, यस रखा जो सर, प्यारे वेरी है. इंटरेस्टिंग वेरी एंड इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल। सर. पहले आप सबको, जब तक विजय भाई यहाँ पे हैं, 5 मिनट का समय देते हैं. विजय भाई आपको अपना डाउजर बनाने के लिए एक तरीका बताएंगे. राइट, सो आप सब रेडी हो तो अपने कैमरा खोलो, क्योंकि ये क्लास है बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल. राइट, अपना कैमरा खोल के अपनी तरफ कर लो. आज डाउजर से बहुत कुछ करने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग. ठीक है, और प्रैक्टिकल सीखने के लिए तैयार हो ना? बिल्कुल. राइट सत्सर भाई, रेडी ना? बिल्कुल सब रेडी है. विजय भाई बहुत बढ़िया, तो फिर एक बार मेरे साथ बोले राधे राधे, जय श्री राधे। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, राधे डाउजिंग। राधे जय राधे श्री राधे, राधे जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, राधे 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 सुनते राधे हैं. राधे राधे। विजय भाई आप शुरू करें, मैं आपको 2 मिनट में ज्वाइन करता हूँ. कैसे क्या क्या बनाना है पहले जी बता देते हैं, सब हैंड डाउन कर लो. ये 3 दिन की बेसिक टू एडवांस क्लास कंप्लीटली फ्री है. सीखोगे तो बहुत कुछ ऐड कर पाओगे अपनी लाइफ में. राइट, ऐसा नहीं है आएगा तो कोर्स प्रोफेशनल, बेसिक पूरा पूरा फ्री करा रहे हैं. राइट, तो सीखना जरूर. चलिए विजय भाई, इट्स ऑल ओवर टू यू सर. थैंक यू राहुल भाई, राधे राधे, जय आई विल गुरु बैक जी, विजय भाई, 5 मिनट आप में हाजिर सबका होता है. स्वागत है। हाँ
कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना आइए काम देखिए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। मेरा नाम है विजय दुबे, मैं एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल हीलर और 41+ मॉडलिटीज को सिखाता हूँ मैं, छोटी बड़ी लेके, ठीक है। तो आज अंकों के खेल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। डाउजिंग किस किस को आती है, किस किस को आती है डाउजिंग? अपने मैसेज पे हाथ उठा, हाथ जो सिंबल होता है आपका उस पे हाथ उठा दो आप एक बार। डाउजिंग किस किस को आती है? ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सरताज जी, हृदया, ओके, बबीता जी, रोशी, क्या हाल है रोशी, कैसे हो? राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। भानु जी, ओके, गीता जी, बहुत बढ़िया। सत्य जी, बहुत बढ़िया, कैसे सत्य जी, प्याली, ठीक है। अब चलिए भानु जी, एक आपसे अनम्यूट करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, कुछ जानना चाहूंगा। डाउजिंग है क्या? डाउजिंग से तो हीलिंग भी होती है, हम लोग हीलिंग भी कर सकते हैं जी, और अच्छा, इससे अनसॉल्व क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कब से कर रही हैं आप? मेरे को अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हुए हैं, ओके गुड। तो आप मतलब प्रैक्टिस करने के बाद क्लाइंटेज, मतलब आप करती हैं प्रैक्टिस उस पे, क्लाइंट पे क्लाइंट करती नहीं, हैं? अभी तो ओके, मैं मतलब बच्चों के लिए कर रही हूँ, रिलेटिव्स के लिए कर रही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत क्विकली आंसर मिल जाते हैं और बहुत एकदम एक्चुअल राइट आंसर मिलते हैं। थैंक बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, ऐसी प्रैक्टिस करती रहे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी गीता यू। जी, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। मेरे को ना घर में ही नेगेटिविटी है, 3 और 5 नंबर है, अब हम 2 जने 2 नंबर वाले, तो मैडम आप सोचिए मेरा कितना आगे आएगा। नहीं नहीं मैं आप डाउन नंबर वाले नहीं है मुझे पता है लेकिन मेरे जो सिचुएशन होती है ना इसके लिए भी, वो घर कोई में दिक्कत मेरे नहीं, आगे आप पीछे नेगेटिविटी रहती है तो जी करने जी में थोड़ा डर लगता है। आज भी लिया, थोड़ा सोच के लिया कुछ है। नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं डरना गीता जी। हाँ अगर आपको लगता जी, है कुछ प्रॉब्लम है तो कपूर लाके थोड़ा सा जला लो अपने पास और फिर हाँ वो बैठ जाओ, अगर भीमसेनी आपको कपूर लगता लगाती हूँ सर घर है। में शाम हाँ को बस, कई कुछ नहीं बार। है, नथिंग, कुछ नहीं होगा, आप हाँ चिंता मत करें, ठीक है? ओके राधे राधे सर, मेरे मतलब जी। हाँ जी हेमा जी, राधे राधे, कैसी हैं बढ़िया सर। मैं भी डाउजिंग करती हूँ, जी? कब से ये करते हैं रहा आप? मेरा गुड, कब से कर रहे हैं आप? सर, 1 साल हो गए मुझे। 1 साल हो गया, गुड, कैसा रिजल्ट है आपके? बहुत बढ़िया, मेरे पास तो बहुत अच्छे कस्टमर है और इंस्टेंट रिजल्ट भी है सर। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मेरी सिस्टर बीमार है, कोमा में चली गई, आप देख के बता सकते क्या? मैंने मैसेज किया है। कोई हेमा बात नहीं, जी उसके लिए पर्सनली बात कर लेना गुरुजी से, ठीक ठीक है, राहुल जी से बात सर, करके मेरे से बात कर लेना, कोई दिक्कत। चलिए अब मतलब आप आपका नंबर चाहिए होगा। हाँ, मेरे से बात करना, मेरे पास ये सर का नंबर है हेमा ठीक है, जी। ओके, थैंक यू राहुल सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। अब आप मुझे बात बताएं, सब लोग जितने लोग हैं प्रोफेशनल करते हैं, मतलब डाउजिंग करते हैं, तो डाउजिंग के रिजल्ट्स आपको पता होंगे कैसे हैं क्या नहीं। क्या अगर मेरे पास कभी डाउजर ना हो, मान लिया है, जय भाई, जय भाई, अनम्यूट करो, जय मैं, तो मैंने हाँ सर, जय जय माता दी, मेरा जय माता दी, प्रणाम जय लेना भाई, सर, जय माता बोलिए दी, बोलिए। जय भाई। अगर सर हमारे पास, आप डाउजिंग करते हैं ना, आपने हाथ उठाया हुआ था तो मैंने हाँ सर, है, तो कब तो से कर रहे हैं जय भाई? सर आई जस्ट स्टार्ट। जय अपना भाई नेटवर्क कब, से, जय भाई अनम्यूट करो, नेटवर्क जय भाई अनम्यूट अनम्यूट करो, करो। कब से कर रहे हैं? मैं सर अराउंड 2 साल पहले से सर, 2021 से सर। अच्छा, तो 2021 से कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है, डाउजिंग कैन रिवील एनीथिंग? यस, इट कैन रिवील जस्ट एनीथिंग सर, क्या कोई इंसान जिंदा है या जिंदा नहीं है, या कहाँ पर है, उसका लोकेशन अभी कहाँ हो सकता है, बहुत या बढ़िया, सर कोई भी घर का वास्तु भी चेक किया जा सकता है, या यस, सर कोई इंसान के ऊपर अगर पॉजिटिव एनर्जी है या कोई निगेटिव एनर्जी है जिससे सारा काम रुका हुआ है, या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र किया है कि नहीं, ये भी सारा कुछ निकाला जा सकता है सर। बहुत बढ़िया जय भाई, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक यू। चलो विजय भाई, चलिए एक सेकंड दो, जी जी राहुल, थैंक यू विजय भाई, अनम्यूट करो विजय भाई।
सर विजय भाई, मैं समझता हूँ कि ड्राउजिंग तो है, प्रैक्टिकल के लिए आपने ड्राउजर बताया कैसे बनाना है, क्या क्या लेके आ रहे हैं ये? अभी यही बताने वाला हूं। अब आपको क्या करना है, जिनके पास ड्राउजर है वो ड्राउजर अपना यूज कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, काफी लोग होंगे जिनके पास ड्राउजर ही नहीं है, है ना? तो अच्छा, करना क्या जिसके है, पास नहीं है खाली वो अपने हैंड मतलब हैंड रेस कर दे जिसके पास ड्राउजर नहीं है, नहीं है वो करने हैं, राइट? नहीं है। या जिसने ड्राउजर के बारे में कभी सुना ही नहीं वही हैंड रेस करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ठीक है, तो करना क्या है, आप वही ड्राउजर तो ड्राउजर। सीख, तो आए क्लास में हो, प्रैक्टिकल क्लास सीखने आए हो, तो ड्राउजर तो ड्राउजर तो लेके नहीं आए चाहिए, विजय भैया। तो फिर अब क्या करें भाई, ड्राउजर तो चाहिए। पूछते हैं धर्मवीर भाई से, पूछते हैं क्या करें। धर्मवीर भाई क्या करें, अब क्लास तो ड्राउजर सिखाने आए थे, राधे हाँ जी सर, नमस्ते। राधे राधे सर। राधे राधे थे राधे सिखाने थे, ड्राउजर आए श्री थे, राधे। क्या हुआ आप ड्राउजर तो लाए नहीं, तो नहीं सर, डाउजर तो नहीं है सर, अब फिर कल क्या करें? ले आए, कल कल लेके लाएंगे आएंगे। पक्का, प्रॉमिस। हाँ सर, कल लाएंगे, कहीं ना कहीं से डाउजर तो लाएंगे कल, देखते चलो रुको थोड़ी देर में, हैं मार्केट से कल। दो मिनट रुको रुको, 2 मिनट रुको, दो कल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही नहीं ड्राउजर पड़ेगी। मंगाते हैं आपके जादू से। एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, होता है ना ये, तो कल तो कल है, कल किसने देखा, है ना? तो डाउजर आज हम आपसे बनवाएंगे, ये इसलिए बनवाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो व्हाट कैन यूज टू मेक अ डाउजर, कभी ऐसा हो कि डाउजर नहीं है तो डाउजर चाहिए और करना भी है तो क्या करोगे, डाउजर तो है नहीं तो क्या करना है, आपके पास आपकी कोई रिंग है, रिंग कोई भी रिंग हो आपकी, वो रिंग ले लें, रिंग हो, अगर रिंग नहीं है तो घर की कोई छोटी की ले लें जिसके ऊपर थोड़ा होल होता है ना, छेद होता है जिसमें, वो ले हल्की लें, सी वेट वाली रिंग, वेट वाली रिंग, थोड़ी सी वेट वाली चाबी, चाहे मोटरसाइकिल की हो, स्कूटर की हो, कार की हो। कोई चाबी ले लो आप, एक चाबी ले लेंगे और उसके ऊपर आप धागा बांध लेंगे, ठीक धागा है, बांध को दो, धागा बांध लो गले में चेन हो तो चेन उतार के लगा लो। बस, और ठीक, अपने पास एक थोड़ा सा नमक ले आओ और पानी ले आओ, बस जल्दी से ये कर कर लो लो। ये, जिस जो सब लोग नमक धागा थोड़ा बांध लो, सा, नमक ले आओ। आज बहुत अच्छी चीज प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग तरीके से विजय भाई सिखाने वाले हैं, राइट? नमक, पानी, और प्रियंका जी ले आओ, डोजर है आपके पास? मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है आज। अभी तो कह रहा हूँ आपके पास अंगूठी तो है, ये तो नाम पहली बार नहीं सुना ना, अंगूठी भी धागा बांध लो, मोली से बांध लो, सुई का बांध लो, राइट? और वो चलेगा आज आपसे। इफ यू वॉन्ट टू लर्न प्रॉपरली विद्युत भाई। हाँ बोलो विद्युत भाई, विभूति भाई अनम्यूट करो। सर ये क्या की के साथ देखना है कि नहीं खाली ऐसे एक ये रिंग है, इसके अंदर धागा बांध लो। एक निकाल लो हाँ इसको, हाँ इसे, की हाँ निकाल इसके लो, धा नहीं नहीं पड़ी रहने, की पड़ी अंदर, की बेशक पड़ी रहने दो, उस पे धागा बांध लो, इसी पे धागा बांध ले। और धागा कितना बांधना है, 6 से 8 इंच, 8 इंच, 6 इंचेस टू 8 इंचेस का धागा होना चाहिए इसमें, अंदाजे से 6 से 8 इंच, मतलब आपका पंजा समझ लो कितना बड़ा है, ठीक है, बना इतना लो बड़ा सब धागा जने कम बना से कम, लो। ठीक है, 6 टू 8 इंचेस सब लोग बना लेंगे, अनिल भाई बना सर लो, बन गया, दिखाओ विभूति भाई कैसा बनाया। नहीं बन रहा है सर, वो धागा टूटने का है सर, धागा को डबल कर लो, थोड़ा धागा हैवी कर लो, धागा को डबल कर लो थोड़ा सा। सिंगल ही नहीं टूट रहा अरे टूटेगा कैंची, उठो ना थोड़ा अपनी है जगह से, हिलो, कैंची लाओ, चक्कू लाओ, प्रभु थोड़ी मेहनत करो, आज जादू सीखना है तो करो रुको सर, आ रहे सर, करो, अब वो भी मैं करूंगा। दिखाओ ये अब प्रभु आप ने और बनाया, पूछे हो देखो राहुल ये भाई को, देखो वहां के कहो तो वहां भाई के बना देते। साहब, देखो ये भाई साहब का तो ब्राउजर आ गया। मनीष हाँ जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सर, ये गिफ्ट मिला हुआ है, किसने गिफ्ट दिया है देखो मुझे, बहुत बढ़िया, आज तक यूज किया है? नहीं सर पता ही नहीं था ना इसको कैसे यूज करना है, डाउजिंग बस सुना था, तभी तो विजय जी से पूछा कि सर कैसे यूज करना है, क्या है ये। ये क्या है, ये बड़ी कमाल की चीज है, ये जादू है। आपके हाथ सर में ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसको आप समझ नहीं सकते, मतलब उससे कनेक्ट कर जाओगे तो दुनिया का जो ये सवाल आपसे पूछना भी चाहो वो बता देगा। प्रभु की इच्छा है कि ये मुझे गिफ्ट मिला और विजय जी भी मिल गए हैं और बताएंगे आज इसको नहीं कैसे यूज करना ये है। होता है जब आपके पास, बहुत सारे लोगों से ऐसा ही होता है, टैरो कार्ड गिफ्ट मिल जाएंगे, फिर टैरो कार्ड का अपने आप टीचर भी, उसका गुरु अपने आप ढूंढ के लाएगा आपको, गुरु अपने आप ढूंढ लेगा आपको। डन सर, छोटा थैंक यू करो वेरी मच। सैमसंग। थैंक यू मनीष भाई, प्रभु 6 टू 8 इंच, 6 से बहुत 8 इंच का बड़ा है, रखेंगे बहुत धागा,
6 से 8 इंच धागा रखिए, 6 से 8 इंच करो उसको, धागा बहुत बड़ा कर दिया सर जी, थोड़ा छोटा कर दे, हाँ इसको आधा करो, आधा करो सीधे, अपना अपना जिस जिसने बना लिया वो रेज कर दे, मैं देख लूंगा सबका, विजय भाई और मैं देख रहे हैं सबको, आप सब प्योरली प्रैक्टिकल आपके साथ आपके हाथों से कराएंगे। निखिल भाई बिल्कुल सही है, निखिल भाई का सही है, ठीक है ठीक है, मीनू मैडम सही है, शोभा जी ठीक है ठीक है, डन, शोभा मैम ठीक है, राम जी ठीक है, ओके, सोनिया जी ठीक है, डन 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 डन, पूजा मैम बहुत बढ़िया, दीपाली जी बहुत बढ़िया, वाओ, कपिल भाई, माधवी जी थोड़ा सा छोटा करो धागा, हल्का सा, ठीक है, डन 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 डन, अंकिता मैडम धागा छोटा करो, थोड़ा धागा छोटा करो अंकिता लखोटिया साहब, ठीक विभूति जी 6 से 8 इंच का, हाँ ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बनाया, धागा छोटा करो, धागा छोटा करो थोड़ा सा, अनिल भाई ठीक है, और छोटा करना है, थोड़ा थोड़ा छोटा करो ये इससे, ठीक है, अमरजीत जी 6 to 8 inch, पूजा जी ओके राइट, दैट्स ग्रेट, रमनजीत जी, रमनजीत ठीक है, डन 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 डन, आशीष कुमार ओके स्वाति, ठीक है स्वाति, ठीक है, की जो आपने की वो लिया है, पीयूष गोयल ठीक है, रिंग रिंग हैवी लेना थोड़ी सी, ठीक है, डन 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 डन, प्रीति जी थोड़ा धागा छोटा कर लो, प्रीति जी, नीलम मैम थोड़ा धागा छोटा करो, ओके डन, न्यूरोलॉजिस्ट अंशु जी बहुत बढ़िया, अमित बंसल साहब बिल्कुल सही है, नीरज भाई ठीक है ठीक है, नीरज भाई थोड़ा सा वीरेंद्र सर इसको सेट करके, इसको तो तोड़ तो नहीं सकते, इसको फोल्ड कर लो, वीरेंद्र भाई इसको थोड़ा फोल्ड कर लो, वीरेंद्र जी फोल्ड कर लो, हाँ बस सब ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, ले लो, कौन सा स्टोन है, मुकेश जी बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हल्का सा धागा उंगली में फोल्ड कर लो सर, ये ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राठौड़ साहब ठीक है, और मुकेश जी बहुत बढ़िया, सैमसन वीरेंद्र जी आपका ठीक है, वीरेंद्र जी ठीक है, मुकेश भाई ठीक है, अनीता तोमर मैम आपका धागा बहुत हल्का है, धागा हैवी कर लो, हैवी करो, ठीक है आरती जी बढ़िया बढ़िया, विजय भाई एक मिनट आप देखो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हर्षिता ठीक है, डन, तरनदीप जी ठीक है, डन, ओके, हाँ जी नीलम जी ओके 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 ओके, मनी भाई ठीक है ठीक है, 6 to 8 inches अपने हिसाब से कर लें, धागे को थोड़ा ऐसा करना कि थोड़ा टाइट रहे और स्ट्रांग रहे, टूट ना जाए ना डाउजिंग करते वक्त, इस चीजों का रखना, नमक और पानी की बॉटल मैंने बोली थी रख लिया आपने, अपने साथ रखना है आपको ये, ठीक है, चलिए राधे राधे ऑल, जय गुरु जी, आई थिंक सबने बना ही लिया है, या चलो 2 मिनट और रुक जाते हैं, बना लो आप, बना लो बना लो, ठीक है, जिस जिसने बना लिया होगा हैंड रेस करते जाना, हैंड रेस कर देना जिस जिसका बन चुका है, ठीक है, क्योंकि फिर हम आगे चलते हैं, ये पता है क्या है, अगर आपके पास कभी डाउजर नहीं है तो यू कैन मेक योर सेल्फ, कोई भी चीज लेके, नेल कटर है, नेल कटर से हो सकता है ना, नेल कटर बना सकते हैं, नेल कटर में धागा बांध के, नेल कटर भी नहीं मिलता, पेन होता है सबके पास, तो हैवी पेन हो, हैवी पेन पे भी बना सकते हैं छोटा पेन, ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ग्लास की बॉटल, थोड़ा सा नमक किसी चीज में रख लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डन डन डन, ठीक है नीता जी बहुत बढ़िया, राधे राधे, ठीक है, डन 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 डन, बहुत बढ़िया, और बाकी सबका हो गया, हैंड्स थोड़े से कर देना, लक्ष्मण भाई क्या हुआ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है, शालू जी ठीक है, डन, मनीष भाई ठीक है, ओके डन डन डन, ओके सरकार साहब आज ही सारी सरकार हिला दोगे, ठीक है डन 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 डन, अनीता जी ध्यान रखो तबीयत का, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सरिता जी हृदय जी सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आयशा जी क्या हो गया, बनाया नहीं है प्रभु, आयशा नायर जी आपसे बात कर रहा हूं, नहीं बनाया या बनाया, श्री राधे श्री राधे, जी विजय भाई ऋतु ऋतु जी बना लिया,
बन गया सर, विजय भाई मोस्टली बन गया है, बन गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज आप समझे, डाउजिंग है क्या, डाउजर है क्या, डाउजर को नीचे रख दो, डाउजर को नीचे रख दो सब जने जनरल, पांच मिनट दस मिनट सब ध्यान से सुनो, फिर हमने इसका प्रैक्टिकल करेंगे आज। जी विजय भाई, डाउजर क्या है, डाउजर क्या होता है, डाउजर डिफरेंट शेप साइजेस और कलर में होता है, मालूम है आपको, डिफरेंट मेटल में होता है, क्रिस्टल्स में होता है। तो आज आपको अभी पहले मैं कुछ डाउजर्स दिखा रहा हूं कि किस तरीके के कैसे कैसे डाउजर्स होते हैं, वो देखो जो मैं यूज करता हूं पर्सनल अपने लिए, है ना। डाउजिंग मैं 2012 से कर रहा हूं, 2012, ठीक है। ये देखिए क्रिस्टल का डाउजर एमेथिस्ट के अंदर दिख रहा है आप सबको, है ना, ये एमेथिस्ट का डाउजर है क्रिस्टल के अंदर दिख रहा है ना। ये देखो आप, पहला डाउजर ये हो गया, ठीक है, डन। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये मेरा सबसे पहला डाउजर था जब मैं डाउजिंग सीखा करता था, किस चीज से, रुद्राक्ष से, पांच मुखी रुद्राक्ष, ये मेरा पहला डाउजर है इतने साल पुराना जिससे मैं डाउजिंग सीखा करता था, ठीक है, रुद्राक्ष है, आप इससे भी बना सकते हो पंचमुखी से। दूसरा ये देखो, ये एक मेरा रुद्राक्ष है मेटल का, ठीक है, शेप साइजेस हर एक दिखा रहा हूं आपको किस टाइप के रुद्राक्ष होते हैं, सॉरी डाउजर्स होते हैं, ठीक है। ये देखो इसका नाम मैंने रखा हुआ है जूनियर, इसको मैं जूनियर कहता हूं, ठीक है। अब देखिए एक और दिखाता हूं आपको, ये देखो एक और डाउजर देखो, देखा आपने, ये मेरा मास्टर है, इसका नाम मैंने मास्टर रखा हुआ है ना, ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। अभी और दिखाता हूं जो मैं यूज करता हूं अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। देखो एक डाउजर ये देखो, आप देख रहे हो ये भी मेटल का है, डिफरेंट शेप और साइजेस में, देखा आपने, है ना। ये देखो और दिखा दूं, है, चलो एक और दिखाता हूं जो मैं प्रोफेशनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वास्तु के अंदर और उसके अंदर। ये देखो आप, ये देख रहे हो आप, ये चांदी का डाउजर है, ये सिल्वर का डाउजर है प्योर सिल्वर में, ये देखो आप, ये बिल्कुल बनवाया गया है डाउजर है, बिल्कुल बनाया, इसमें 9 रत्न लगते हैं, अलग अलग दिशाओं के 9 प्लैनेट्स के रत्न लगते हैं, ये स्पेशली वास्तु के लिए डिजाइन किया जाता है, और इसका वेट वायर पूरी जो होती है वो फिक्स होती है। देखो डाउजर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट एक चीज आपको बताऊंगा, आप कभी डाउजर चूज नहीं करते, डाउजर आपको चूज करता है हमेशा। कोई भी जब भी आपको डाउजर लेना हो या तो शॉप पे जाए और जो डाउजर अच्छा लगे उठा लो, बस जो अट्रैक्ट करे फटाक से, क्योंकि उसने आपको चूज किया है, आपने उसे चूज नहीं किया। दूसरा, अगर ऑनलाइन मंगा रहे हो तो ऑनलाइन के अंदर भी कोई अट्रैक्ट करता है तो उसे आप मंगा ले। अगली चीज, हमेशा जब भी आप डाउजिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक्स बता रहा हूं आपको, जब भी आप डाउजिंग स्टार्ट करेंगे तो हमेशा एमेथिस्ट वाला डाउजर ही यूज करें आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान। क्यों, इसका भी रीजन है, कई लोग पूछेंगे सर क्यों एमेथिस्ट ही क्यों, है ना। एमेथिस्ट कहां से कनेक्ट होता है, हमारे थर्ड आई से, हार्ट से, है ना, थर्ड आई हार्ट, है ना। तो ये जब कनेक्शन देता है ना तो एकदम से कनेक्ट होना चालू होता है, जल्दी से कनेक्ट होता है हमारे साथ से, हमारे क्वेश्चंस के आंसर बड़ी जल्दी पकड़ता है। जब हम बेसिक्स करते हैं, बेसिक्स में सबसे ज्यादा ये यूज होता है डाउजर, ठीक है। डाउजर है क्या, डाउजर एक्चुअल में अगर आप डिक्शनरी में पढ़ोगे ना तो किसी चीज को समुद्र में गोता लगा के ढूंढ के लाने को डाउजिंग कहलाता है, यही मिलेगा, है ना, यही आता है ना विभूति भाई, यही लिखा हुआ आता है ना। डाउजर का मतलब है क्या,
एक मूवी देखी होगी आपने सिम्बा, वो क्या बोलता है मराठी के अंदर कि तू मुझे वो बता जो मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है वो मत बता। सबसे अच्छी चीज थी ये, है ना। इसका मतलब था कि अज्ञात को ज्ञात करना ही डाउजिंग कहलाता है। जो चीज आपको पता है उसके बारे में पूछोगे नहीं, पूछोगे ना आप क्या जानना चाहोगे, जिस चीज के लिए आप क्यूरियस हो आगे क्या होने वाला है, क्या ये चीज अच्छी है, जिसका आपको पता ही नहीं है, तो उन चीजों को जानना चाहोगे ना आप, है ना। तो अज्ञात को ज्ञात करना, सिंपली भाषा, अज्ञात को ज्ञात करना ही डाउजर कहलाता है। अब डाउजिंग वर्किंग कैसे करता है, बड़ी सिंपलेस्ट वे में बताता हूं आपको। डाउजिंग जो वर्किंग करता है वो हमारी खुद की एनर्जीज और उस ब्रह्मांड की एनर्जीज को शायद कंबाइंड करके ये वर्क करता है, ठीक है। जब हम डाउजिंग करते हैं तो हमारी एनर्जीज और उस ब्रह्मांड की एनर्जीज, आपको ये तो पता ही होगा कि सारी चीजों का आंसर इस ब्रह्मांड के अंदर ही है ना। एक साइंटिफिक वे के अंदर सारी चीजें तरंगों के रूप में है, तरंगों के रूप में, है ना। अगर हम मान लिया मेरे सामने विभूति जी बैठे हैं, मेरे सामने प्याली बैठी है, मनीषा बैठी है, प्रीति बैठी है, बहुत लोग बैठे हैं, मनीष बैठा है, क्या अगर मैं फोन मिलाता हूं कभी कभार को छोड़ के कि रॉन्ग कनेक्शन मिलता है, पर अगर मैं प्रीति को फोन मिला रहा हूं तो प्रीति को ही मिलेगा ना वो, या कहीं और मिलेगा? है मनीष भाई आपको मिल जाएगा, किरणदीप आपको मिलेगा, श्याली जी आपको मिलेगा, श्यानी राजेश जी, मैं अगर उनको मिला रहा हूं तो उन्हीं को फोन मिलेगा ना, है ना। तो यही चीज है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में बढ़ते हैं आप वो चीज रिवील कर देते हो जो जिंदगी में कभी आपने सोची भी नहीं है। आप यकीन मानेंगे अभी भी मैं डाउजिंग के अंदर सिर्फ 10% ही जान पाया हूं, 10%। बहुत कुछ है ऊपर ब्रह्मांड के अंदर। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन सर्च बहुत सारी चीजें, कुछ भी जो नहीं जानते, और वो ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि आप कह दोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हर चीज को आप जान सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कलरलॉजी, है ना, हमारे जो चक्रास है उनको हीलिंग्स। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप हील या कोई चीज जानना चाहते हो उसके लिए आपके सामने ही कोई इंसान बैठा है, वो इंसान नहीं भी है। तो जब भी जान लोगे, चाहे वो आपके स्टेट से बाहर है, आपके मोहल्ले के बाहर है, स्टेट के बाहर है, इंडिया से बाहर है, उसके बारे में भी आप एक्यूरेसी जान दोगे। आप प्रैक्टिस जब करोगे हर चीज को आपको बताया जाएगा, तो उसके बाद आप बहुत कुछ जान सकते हो, बहुत कुछ, बहुत कुछ, यू कैन रिवील बहुत सारी चीजें। तो चलते हैं डाउजिंग के अंदर। एक छोटी सी बेसिक्स मैंने बताया, बाकी डू और डस बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो आगे हम करेंगे। एक छोटा सा बेसिक्स एक चीज बताना चाहूंगा कि डाउजिंग के अंदर दो चीज बहुत जरूरी होती है। क्या होती है मालूम है आपको? नहीं मालूम? सबसे जरूरी चीज है, जो लोग करते हैं, आप लोग डाउजिंग करते हैं ना, आप में से कई लोग, तो कोई बताएगा दो चीज क्या जरूरी होती है? प्लीज, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी बोलोगे, मैं भी आपके जैसा ही हूं, ठीक है ना। क्या दो चीज जरूरी होती है इफ यू आर डूइंग डाउजिंग? डाउजिंग आप इतने टाइम से कर रहे हो, क्या बात है। 1 करोड़ का सवाल भानु जी के लिए, बोले भानु जी। एक तो पॉजिटिव इंटेंशंस, ओके, और जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, डाउट वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है, पर ऐसी क्या दो चीज जरूरी है हमारे डाउजिंग के लिए, स्टार्टिंग जो बिल्कुल चाहिए हमें स्टार्टिंग में? और तो पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी संगीता जी प्लीज, संगीता वर्मा जी, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ओके डन। और कुछ? अटेंशन होना चाहिए राइट वे में। चलिए ठीक है, ठीक है, डन डन डन, ओके। हाँ जी आयशा जी बताएं। यूनिवर्स पे ट्रस्ट सर, वो तो बहुत जरूरी है। आपको ट्रस्ट ना होता तो आप बैठते नहीं यहाँ पे, ना मुझे ट्रस्ट होता मैं यहाँ होता, ये तो है ही। इसके अलावा गॉड से कनेक्शन, बहुत बढ़िया, डन डन डन। और चलते आगे जी। हाँ जी इशिता जी, राधे राधे। राधे राधे सर जी। सर आपका अनकॉन्शियस माइंड यूज करते हैं आप इस टाइम,
ठीक है जी, पक्का बिल्कुल करेंगे, डन। और मेडिटेशन इज मस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है आगे चलते हैं। ओके थैंक यू। मीना जी बताएं, मीना ठक्कर साहब साहब बताएं। राधे राधे सर। राधे राधे। इंट्यूशन चाहिए सर। ओके चलिए डन, इंट्यूशन पावर। बहुत बढ़िया। हाँ जी पुनीता जी सर नमस्ते। चेन और पेंडुलम उसके बिना करेंगे कैसे? ओके क्या बात है, वो तो अभी बनवा दिया ना आपको मैंने, वो तो हो गया। आगे करेंगे कैसे? आगे और सर, ट्रस्ट और फेथ के बिना तो कोई होता नहीं है, और दो लोग चाहिए, आप और मैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, थैंक यू। हाँ जी भारती जी बोले। हेलो सर, नमस्कार। विश्वास बोले। और जो आप कर रहे हो उसमें फेथ चाहिए सर। बहुत बढ़िया, और जरूरी है, ये जरूरी है, फेथ तो मस्ट है हर चीज के लिए, क्योंकि फेथ पे ही दुनिया कायम है ना। और सर जिस एनर्जी को हम मतलब ये करने वाले, उस एनर्जी को एक्चुअली वर्ड नहीं समझ में आ रहा सर, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू जतिंदर भाई। राधे राधे, कैसे हैं बताएं, अनम्यूट अनम्यूट कर रहे आप। हाँ जी सर बताएं सर। कंसंट्रेशन ही सर जरूरी है जी। बहुत बढ़िया, और आपके ऊपर विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्योंकि आप, मैंने पहले भी दो तीन बार ज्वाइन किया है मैंने जी, वो संदीप जी के बेटे हैं, उनकी मैंने क्लासेस लगाई हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आज फर्स्ट टाइम ही मैंने बोला, आप बोलने के लिए बोल रहे हो। अच्छा, मैंने उनकी क्लास लगाई है जी। कि मुझे उन्होंने कभी मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं सर। देखो बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, सब पे नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चिंटू भाई बोले, क्या चाहिए जरूरी? डाउजिंग के लिए दो चीज जरूरी है बस, मुझे उसका आंसर चाहिए। जी भी चीज में ध्यान लगाना सबसे जरूरी, तो ध्यान है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरे इंडिया के बीच मेरी बात चलेगी। बहुत बढ़िया। हां जी दीपाली जी सर, कनेक्शन विद द डाउजर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, चलिए। हां जी शर्मा साहब, सिर्फ क्लीनिंग और रिचार्ज कर, चार्ज करना उस पर। देखा ये चीज बोली इन्होंने, डाउजिंग के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? प्रोग्रामिंग और क्लींजिंग। देखो जब तक आप डाउजर को प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, वो आपके आंसर को एक्यूरेट नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, डाउजर को जब क्लीन नहीं कर पाओगे, जब भी वो आपके आंसर को एक्यूरेट नहीं देगा। तो दो चीजें क्या है इशिता? प्रोग्रामिंग और क्लींजिंग, बहुत बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, डाउजर लेंगे, जिसने जो भी डाउजर बनाया है, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड पे रखेगा उसको। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, अब प्रैक्टिकल चालू है आप लोगों का, ठीक है। हैंड्स डाउन कर लेना भैया जी। विजय भैया चालू कर रहे हैं? हाँ राइट। अब सब जने प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और अपने हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि वी आर गोइंग टू लाइव नाउ। सीधे बैठ जाएं पहले सब जने। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई भी बंदा, निषद जी सीधा बैठ जाइए, अगर करना चाह रहे हो तो। निषद जी सीधा, अगर करना है तो हाँ, सीधा करना है तो सीधा बैठो, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट, नहीं करना तो कोई बात नहीं, सुनो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सीधा बैठ जाएं आप सब जने, अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट हार्ट चक्रा के पास लाएं, ऐसे करके लाएं अपने हार्ट चक्रा पे, उसके ऊपर अपना डाउजर रखें, जो भी बनाया है या जो है आपके पास, जो है या जो आपने बनाया, पेन से, रिंग से, की से, अंगूठी से, रुद्राक्ष से, जिससे भी बनाया है जी, रखें। रखने के बाद अपने हार्ट चक्रा पे या हार्ट पे टच करें, और अपना जो राइट हैंड है उसको ऐसे कर लें, ये दबा लें ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे कर ले, ठीक है। अब आंखें बंद करेंगे,
और जो जो विजय भाई बोलेंगे वो दोहराते जाएंगे साथ साथ, बस आंखें बंद करेंगे, जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे दोहरा लेना, जब मैं बोलूं दोहराने के लिए आंखें बंद करें, सब लोग आंखें बंद कर लेंगे बिल्कुल शांत, और 3 बार गहरी श्वास लेंगे, जैसे ही मैं बोलूंगा श्वास लेने के लिए श्वास लेंगे, फिर बोलूंगा रोकने के लिए रोकेंगे, उसके बाद करूंगा निकालने के लिए श्वास को बाहर, तो धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। चलिए रेडी, 1 2 3, गहरी श्वास ले, रोके, बाहर निकाले। देखिए श्वास लेनी है आपको कहां तक, कि आपकी नाभि तक पता चले, आपके पेट तक पता चले कि आप श्वास ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में श्वास सिर्फ गले तक रहती है, नीचे तक तो जाती नहीं है, तो श्वास लेना है, ये आपकी हेल्थ के लिए, माइंड पावर के लिए, सब चीज के लिए अच्छी है। तो दोबारा से गहरी श्वास लेंगे, श्वास ले, रोके, बाहर निकालें, फिर दोबारा से रेडी, गहरी श्वास ले, रोके, बाहर निकालें, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी गॉड गुरु गाइडेंस को मानते हैं, नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे आप 5 बार मेरे साथ, बोलेंगे ओ ओ गॉड गुरु गाइडेंस का आवाहन करेंगे, एंजल्स आर्च एंजल्स अपने पितरों का सबका आवाहन करेंगे कि वो यहां आए, आपको आशीर्वाद दें कि जो कुछ भी आप सीखने जा रहे हैं, सीख रहे हैं, उससे आप अपना और दूसरों का भला कर पाए, हेल्प कर पाए, सबसे पहले अपनी, उसके बाद सबकी, क्योंकि चैरिटी बिगेंस एट होम, सबसे पहले चैरिटी अपने घर से स्टार्ट होती है। उनको बुलाएं कि आपको आशीर्वाद दें, जिनको भी आप मानते हैं, आंखें बंद रहेंगी, अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे, मैं ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड मुझसे, मैं डाउजर से, हम तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड, ये आप बोलें, और आपका सारा ध्यान आपके डाउजर पर रहेगा, सारे का सारा ध्यान आपके डाउजर पे जो आपके हाथ में है, उस पे सारा ध्यान रहेगा, हार्ट चक्रा पे टच रहेगा या आपके हार्ट पे टच रहेगा आपका हाथ, सारा ध्यान वहां रखिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके हाथ में एक धीरे धीरे भारीपन सा आना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे एक भारीपन सा, किसी को ठंडा लग रहा है, किसी को गर्म महसूस हो रहा है, धीरे धीरे एक भारीपन सा स्टार्ट हो रहा है आपके हाथ, अब आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में से एक सप्तरंगीय ऊर्जाएं निकलना चालू हो चुकी हैं, एक सप्तरंगीय ऊर्जाएं निकलना चालू हो चुकी हैं, एक सप्तरंगीय ऊर्जाएं निकलना चालू हो चुकी हैं, इंद्रधनुषीय ऊर्जाएं निकलना चालू हो चुकी है, जिसके 7 रंग हैं, वो एक तरफ से तो आपके हार्ट चक्रा की तरफ बढ़ता चला जा रहा है,
आपके हार्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ उस ब्रह्मांड की तरफ, उस असीम ब्रह्मांड में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आपके हार्ट चक्रा से ये लाइट, ये सप्तरंगीय इंद्रधनुषी आभाएं आपके हार्ट चक्रा से टच कर रही हैं, एक टच करती चली जा रही है, और ये टच कर दिया है आपको, एक सुंदर सा एहसास, गर्म ठंडे का एहसास हो रहा है, और ये आपके धीरे धीरे सारे चक्रास में फैलती चली जा रही है, कनेक्शन बनाती चली जा रही है। आप खुद देख रहे हैं, आप खुद देख पा रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इसका कनेक्शन स्थापित होता चला जा रहा है, आपके माइंड बॉडी और सोल के साथ इसका कनेक्शन स्थापित होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। ये डाउजर आपके साथ कनेक्शन स्थापित कर रहा है, कनेक्शन स्थापित कर रहा है, कनेक्शन स्थापित कर रहा है। धीरे धीरे ये सारी आभाएं आपके शरीर में एक एक अंग में फैलती चली जा रही हैं, आपको पॉजिटिव करती चली जा रही है। दूसरी तरफ ये सप्तरंगी आभाएं उस ब्रह्मांड की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, और उस ब्रह्मांड में कनेक्शन स्थापित करने के लिए चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। और ये ब्रह्मांड से इसका कनेक्शन स्थापित हो रहा है, आपके माइंड और बॉडी और सोल के साथ इसका कनेक्शन स्थापित हो रहा है, आपके चक्रास के साथ इसका कनेक्शन स्थापित हो रहा है। आपका माइंड बॉडी और सोल एकाग्र होना चालू हो चुका है, सारा ध्यान आपके कनेक्शन पर रहेगा, सारा ध्यान आपके कनेक्शन पर रहेगा। रिलैक्स, डाउजर का कनेक्शन उस ब्रह्मांड के साथ हो चुका है। आप बोलेंगे मेरा डाउजर से, मेरे साथ दोहराएंगे मेरा डाउजर से, डाउजर का ब्रह्मांड से कनेक्शन स्थापित हो चुका है। आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड। ऐसे ही कनेक्शन की प्रक्रिया आपके शरीर के साथ जो चल रही है, आपके माइंड बॉडी और सोल के साथ जो चल रही है, आपके चक्रास के साथ जो चल रही है, वो भी पूर्ण होती हुई कनेक्शन स्थापित करती हुई, और ये आपके साथ कनेक्शन स्थापित हो चुका है। अब आप बोलेंगे ब्रह्मांड का डाउजर के साथ, डाउजर का मेरे साथ कनेक्शन स्थापित हो चुका है। आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड। आंखें बंद रहेंगी, थैंक यू बोलेंगे अपने गॉड गुरु गाइडेंस को, एंजल्स को, आर्च एंजल्स को, अपने पितरों को, जो भी आपके गुरु हैं उन सबको, कि इस कनेक्शन के लिए, ये टू वे कनेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड गुरु गाइडेंस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, 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 थैंक यू। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, धन्यवाद करते हुए अपने गॉड गुरु गाइडेंस का, एंजल्स का, सबका धन्यवाद, सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। डाउजर को आप राइट की तरफ रखेंगे, अपने राइट की तरफ, लेफ्ट में नहीं, अपने राइट की तरफ रखना। जिनका डोमिनेटिंग हैंड लेफ्ट है वो लेफ्ट की तरफ रखेंगे, जिनका डोमिनेटिंग हैंड राइट है वो राइट की तरफ रखेंगे। अपने राइट की तरफ इसको रखें, ठीक है। अब अपने दोनों हाथों को ऐसे करेंगे सामने की तरफ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ मांगते हैं ना ईश्वर से, है ना, तो ईश्वर से मांगने में कोई शर्म नहीं है, देता वही है और कोई नहीं देता। आंखें बंद करें, ऊपर की तरफ सर करें,
उस ब्रह्मांड की तरफ देखे आंखें बंद करके, और फिर आंखों को खोले उस ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए और बोले, हे प्रभु कनेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ भी मैं सीखूं वो मेरे माइंड बॉडी और सोल में उतर जाए, और जो भी मैं पूछूं उसका आपकी कृपा से सही आंसर आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार करेंगे ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की तरफ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंखें खोल लें, थोड़ा सा पानी पी लें, जो पानी रखवाया था मैंने आपके पास थोड़ा सा पानी पी लें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तू राधे मैं राधे तन राधे मन राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे। चलिए राधे राधे ऑल, जय गुरु जी। किसी ने कुछ बोलना हो अटैचमेंट के दौरान, जब हम अटैच करा रहे थे कुछ बात कुछ एहसास हुआ तो आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना हैंड्स को रेज करिएगा, मैं आपको ओपन कर दूंगा। जी बोले शोभा जी। गर्म फील हो रहा था सर हाथ में। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा किया है आपने, कनेक्शन किया है कभी ऐसे लाइफ में? नहीं सर नहीं। बहुत बढ़िया जी। गीता जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ सर एकदम से ऐसा लगा कि जैसे मैं जहाँ बैठी वहां हुई नहीं, कहीं और ही हूँ, और वहीं वहीं। नहीं नहीं यही रहो यही रहो, डाउजिंग सीखनी है ठीक है। इसके इसके टाइम में जब करो, और पहले भी जब एकदम मैंने मुझे कोई एक बहुत अच्छी खुशबू फील हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब भी। बहुत बढ़िया बहुत गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू। हां जी शिवाकी। सर मेरे को गर्म तो लग रहा था लेकिन मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा था। बैक में कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पानी इसीलिए है, कोई बात आराम करो, बैठो बस सुनो देखो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लास्ट में जाते हुए सबको हील भी कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो ठीक है। कुछ ना कुछ है जो इंडिकेशन दे रहा है, या तो हो रहा है आप या आपके साथ आपकी पीठ में या तो प्रॉब्लम्स है कंधे से लेके पीठ तक, या होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एनर्जीज जब कहीं पे एक जगह बाउंड होती है ना, कनेक्ट करती है टिगिंग करती है, तो वहां ये तो प्रॉब्लम होती है या होने वाली होती है। हाँ जी प्रिय रंजन जी राधे राधे बोले। तरनदीप जी बोले। यस सर राधे राधे जी, मेरे को फील हुआ मेरे पसीने से पूरे भर गई, मेरे शोल्डर और नेक में बहुत पेन है, वहां पे पेन बढ़ गई और मेरी बॉडी में ऐसे वाइब्रेशन हो रही है जैसे मैं अभी भी जैसे थोड़ी कांप रही हूँ। आई फील पॉजिटिव। अच्छा गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। अभी तो स्टार्टिंग है मैडम, अभी तो देखो होता है होता है क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी तो चल रहे हैं, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैंने पहला गियर भी नहीं डाला ठीक है। पता नहीं सिर से लेके पैर तक वाइब्रेशन हो रही है मेरे। बहुत बढ़िया गॉड ब्लेस यू। पानी पीते रहो, पानी पी लेना कोई दिक्कत नहीं। चलिए थैंक यू सो मच सब लोग, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं आज फटाफट से, देखो सबसे बात करूंगा दिक्कत हो जाएगी है ना। चलिए सब लोग हैंड डाउन करें, अब करना है क्या सबसे पहले, अब डाउजर व्हाइट पेपर है आपके लोगों के पास, प्लेन व्हाइट पेपर है आपके पास, प्लेन व्हाइट पेपर ले लो अगर है, प्लेन व्हाइट पेपर ले लेंगे, व्हाइट पेपर प्लेन है ना मेरे पास, देखो एक व्हाइट पेपर ले लो प्लेन, उस पेपर को अपने हाथ पे रख लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ अपने हाथ को ऐसे कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो हाथ को ऐसे कर लीजिएगा ठीक है। हाँ अगर नहीं है व्हाइट पेपर प्लेन, है तो यूज करो। अब चलो मास्टर को निकालते हैं, मास्टर को निकालते हैं ठीक है, दिस इज माई मास्टर है। चलो अब आपने जो हाथ में आपका डाउजर है कनेक्शन हो चुका है सबका ठीक है, आशा करता हूँ सबका कनेक्शन हो गया होगा। अब इसके ऊपर रखना है आपने, रख दो राहुल भाई रख दो, रखो टच करो, अपने गॉड गुरु गाइडेंस का आवाहन करो, उनको याद करो जो भी आपके इष्ट हैं ठीक है, अपने पितरों को जरूर याद करो ठीक है। अब
इसको 1 से 2 इंच, हमेशा ध्यान रखना डाउजर का पहला रूल, कहीं भी डाउजिंग करते हैं तो उससे सिर्फ 1 से 2 इंच ऊपर ही उठाना होता है डाउजर को। उठाया, अब इसको बोले क्या आप मुझसे कनेक्टेड हैं? देखो मेरा मूवमेंट कर रहा है, आप लोगों का भी करेगा, बोलो करो करो करो, देखो मूवमेंट कर रहा है, क्या आप मुझसे कनेक्टेड हैं? बार बार बोलते रहो उसे, क्या आप मुझसे कनेक्टेड हैं? देखो मूवमेंट फास्ट या कम कोई मैटर नहीं करता, थोड़ा सा मूव करना चाहिए बस। देखो किस साइड मूव कर रहा है, राइट में कर रहा है या क्लॉकवाइज कर रहा है, देखो ठीक है, मेरी मूवमेंट पे मत जाना, मेरा तो वैसे बहुत घूमता है तेजी, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जो लोग, है ना, पूछो आप मुझसे कनेक्टेड हैं, क्या कहता है? बहुत बढ़िया, राइट में जा रहा है, यस, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यस, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है भाई, पूरे हिला दिया आपने पूरा स्टेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप डाउजिंग स्टार्ट करते हैं तो से प्लीज, हम किसी से कुछ काम कराते हैं, कुछ मांगते हैं तो क्या कहते हैं? प्लीज ये चीज दे दीजिए, ये चीज बता दीजिए, ऐसी होता है सत्या जी, है ना? जब हम काम पूरा हो जाता है तो थैंक यू करके थैंक यू बोलते हैं और उसको रखते हैं। दूसरा, थैंक यू बोले, थैंक यू बोले, थैंक यू बोले और बोले स्टॉप, थैंक यू बोले स्टॉप, थैंक यू स्टॉप, थैंक यू स्टॉप, थैंक यू स्टॉप, और इसको रखें। अब एक चीज मुझे बताइएगा, अगर 1000 बंदा खड़ा है और उसमें से मैं बोलूं रितु शर्मा, रितु शर्मा पलटेगी नहीं पलटेगी? हैं, पलटेगी नहीं पलटेगी? पलटेगी, क्यों पलटेगी, इसका कोई मतलब बताए मुझे, हैं आरती पटेल साहब, क्या मतलब हो सकता है बताओ? बाकी लोग, हाँ जी अनीता जी, क्या मतलब हो सकता है मैं बोलूं अनीता जी, क्या मतलब हो सकता है? कुछ लोगों के बीच में कि आप मेरी जो वाइब्रेशन है आवाज की वो आप के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आप मुझे जानते हो, है ना? जब भी पलटोगे ना कि हाँ ये तो विजय विजय दुबे सर है ना, पीछे पलट के देखोगे कोई भी है जैसे आरती है, आरती है, हाँ विजय दुबे सर है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? अनजान व्यक्ति तो आपको आवाज नहीं मारेगा ना, जो जानता होगा वही तो आवाज मारेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप अपने इस डाउजर को आज नाम देंगे, कोई भी नाम दे, क्योंकि कहा जाता है जब आप डाउजर को नाम देते हैं तो ये आपके साथ आपके फैमिली मेंबर की तरह अटैच हो जाता है। और जब देखो आपके फैमिली मेंबर कोई होगा आपके साथ, उसका कितना स्नेह रहेगा, कितना प्यार रहेगा ना, है ना, वो आपकी हर बात सुनेगा, ठीक है। वो बात अलग है, कोई कहेगा कि मेरे बच्चे मेरी सुनते ही नहीं है, वो एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है ना। बच्चे शरारती भी होते हैं, नहीं भी सुनते, तो ये भी बच्चा ही है, शरारती भी है ना, अभी चलना सीख रहा है आपके साथ साथ। इसका नाम रखो, कोई भी नाम रखो, वैसे ही हाथ में लो, ऊपर से बंद करो, आंखें बंद करो, और जो नाम तुम्हें अच्छा लगता है वो नाम ले, 5 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके करो करो करो, इसको नाम दो। नाम देना जरूरी है किसी भी चीज को, आपके डाउजर का आपका नाम होगा तो ऐसे ऐसे मिरेकल करके दिखा देगा ये आपको, आप सोच नहीं सकते। स्नेह, बच्चा क्या मांगता है? स्नेह मांगता है ना। आप किसी को चॉकलेट देते हैं, किसी को फ्लावर्स देते हैं तो कितना खुश होता है प्रियंका, वो होता है नहीं होता, आई गॉट द चॉकलेट, आई गॉट द फ्लावर्स, है उन्होंने दिया, प्रियंका जी ने दिया, बहुत अच्छी है ना। तो ये होता है, आप जितना जिसके साथ कनेक्टेड रहते हैं और नाम से ज्यादा, आप बाहर वाले से ज्यादा, आपका कोई फ्रेंड होगा खास जिसके साथ आप ज्यादा कनेक्टेड होंगे, आपके फैमिली मेंबर में, उनसे ज्यादा उनकी सुनोगे ना, उनसे बात करोगे ना, हैं, मेरी बात सुनोगे या उनकी सुनोगे? पहले उनकी सुनोगे, क्यों अमित भाई ऐसे ही है ना हर चीज को, अमित बंसल भाई आपसे ही कह रहा हूं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होता है। जब हम कोई हमें पुकारता है तो हम पलट के जवाब देते हैं, लक्ष्मण भाई सही बात है, क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? शर्मा जी, तत्सत शर्मा जी, क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा उसके साथ
अटैचमेंट होता है, मैच होता है। अगर हम एनर्जीज की बात करें इसके अंदर, तो आपकी और उसकी एनर्जी की मैचिंग होती है, कनेक्टेड होते हैं आप एक दूसरे से, है ना। तो आप इसका नाम रखें, नाम रखने के बाद आगे चलते हैं। सबने नाम रख लिया होगा, मेरा नाम मत रखना भाई इसका प्लीज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो नाम रखते हैं। अब क्या करना है, अब करना है हमने आगे का प्रोसेस क्या। चलिए हैंड डाउन कर लीजिएगा, आपके पास हाथ है, आपका हाथ रखें, है ना, आपके हाथ के बीच में इसको टच करके उठाएं। जो भी नाम दिया आपने, सोनू मोनू राजू राहुल सोना मोना जो भी है ले लो, ठीक है। इसको उठाएंगे, उठाने के बाद कहेंगे मेरे हाँ का आंसर आप कैसे देंगे, मेरी हाँ का आंसर, मेरे यस का आंसर आप कैसे देंगे। तो देखो क्या मूवमेंट कर रहा है, अगर ये आपके हाँ का आंसर राइट में जा रहा है तो वो आपके हाँ का आंसर, यानी कोई भी क्वेश्चन करोगे वो आपके हाँ का आंसर, थैंक यू मास्टर, वो राइट में देगा, यानी कि राइट में होके देगा आपके आंसर का। जैसे मैंने पूछा क्या मेरा नाम शोभा है, इसने कहा राइट में जाके, तो इसका मतलब वो यस शोभा ही है, ठीक है, डन। थैंक यू बोलो, हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, जितना ग्रेटिट्यूड करोगे उतना अटैच होते हुए चले जाओगे इसके साथ। आगे चलते हैं, दोबारा से टच करेंगे, ऊपर उठाएंगे, अब इनसे पूछेंगे क्या मेरे ना का आंसर कैसे देंगे आप, मेरे ना का, मेरे नो का आंसर कैसे देंगे। तो देखो मेरा तो लेफ्ट जा रहा है ना, आपका कैसे जा रहा है, आपका या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएगा या लेफ्ट की तरफ जाएगा, और आपका ऐसे ही हाँ का जवाब या तो राइट में जाएगा या क्लॉकवाइज देगा। मुझे राधे राधे। अच्छा कईयों का, राधे राधे, राधे राधे, कईयों का आगे आ गया, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू सर। अच्छा अच्छा ओके, मैं सोचा कुछ कहना है क्या। नहीं नहीं मैं देख रहा था किसका चल रहा है किसका नहीं चल रहा। हाँ तो अब ये चीजें हैं, ठीक है, पहला स्टेप चलवा दिया, तो क्वेश्चन आंसर क्या होता है। हाँ पहला स्टेप चला, सबका चला, कनेक्शन के बाद चला नहीं चला, एक सेकंड रुक जाओ विजय भाई, हैंड रेस कर लेते हैं, जिनका नहीं चला अभी उसको प्रैक्टिकली है तो प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, जिसका नहीं चला है वो हैंड रेस कर लो बस, जिसका नहीं चला वो हैंड रेस करेगा सर। जी तो जी पूजा जी सर। हाँ बोलो कुमार। हाँ भाई, पूते भाई। नहीं चला मेरा, वो क्या रहा है ये लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है, ये आगे पीछे हो रहा है, और तो मैंने जब हाँ का जवाब मांगा तो वो आगे पीछे हुआ, और जब मैंने बोला कि मेरा आंसर ना में कैसे दोगे तो वो हिला ही नहीं। ठीक है आप एक काम करें, एक तो इसको वॉश कर ले विभूति भाई, सॉल्ट मंगाया था ना अभी, सॉल्ट मंगाया था ना, सॉल्ट को थोड़ा सा लगा के, सॉल्ट वाटर से वॉश, सॉल्ट को थोड़ा सा हल्का लगा के इसको रनिंग वाटर में धो लो इसको, या पानी है तो पानी से धो, हल्का सा सॉल्ट धोया धोया जल्दी, सब लोग सब लोग जी जी। और एक चीज का और ध्यान रखना हमेशा, पूजा जी जी पूजा जी सर, सर लेफ्ट राइट हुआ और जब मैंने कहा ना का आंसर कैसे दोगे तो ये चुप ही बैठा रहा, चुप ही बैठा रहा, डर गया आपसे मैडम, ये इसको धो के आओ, धो के आओ मैडम, थोड़ा सा नमक धो के आओ, रनिंग वाटर में धो लो, रनिंग वाटर से धो लो, रनिंग वाटर में धो लो जी। भारती जी जी भारती जी राधे राधे, मेरा सर्कल एंटी सर्कल ही घूम रहा है बार बार। नहीं आप इसको वॉश करें, या तो देखो आपके यस का आंसर क्लॉकवाइज या राइट में, कईयों का यस का आंसर क्लॉकवाइज घूमा फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया फिर से, फिर नो में ऐसा हुआ कि एंटी क्लॉक, हाँ नो के लिए पूछा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा फिर घूम गया वापस राइट में। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन डन डन, एक बार वॉश करके धो लो, बेशक डन चल रहा है, ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अभी तो आगे बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। हाँ चिंटू जी बोले, तोमर साहब। राधे राधे सर। राधे राधे तोमर भाई। सर जब यस का जवाब मांगा तो गोल गोल घूमा, ठीक है, गोल गोल किस साइड घूमा, राइट में लेफ्ट में, ऐसे नहीं आप बताओ ना, मेरे को नहीं पता चलेगा ना, आप बताओ। क्लॉकवाइज घूमा जी,
दोबारा घुमाओ चिंटू भाई, धो के दोबारा घुमाओ। क्लॉक वाइज आपका यस है, एंटी क्लॉक वाइज नो है, और कईयों का राइट में ऐसे जाता है तो वो भी यस है, और लेफ्ट में जाएगा तो वो नो है, ऐसे आप एक बार इसको वॉश कर ले दोबारा से। चलिए जी अंशु भाई, राधे राधे। अंशु जी, जी सर, जब मैंने इसे यस पूछा तो ये प्रॉपरली आगे पीछे हो रहा था राइट, और जब मैंने नो पूछा तो फिर प्रॉपर लेफ्ट साइड गया, तो मतलब लेफ्ट साइड जाना तो मुझे नो में समझ में आ गया, हाँ, अब एक बट जब ये यस में गया तो ये आगे पीछे ऐसे हो रहा था। आप सुनो, आगे पीछे नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट इसका राइट में हो रहा होगा, ध्यान देना, थोड़ा हल्का सा भी मूवमेंट राइट में जा रहा है तो इसका मतलब वो यस ही आपका, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ लोगे आप, चिंता मत करो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी राठौड़ साहब। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। आप साक्षात श्री राधे, श्री राधे, जमीन पे आप साक्षात भगवान का रूप लेके आए हो। अरे नहीं 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 मैडम, ऐसे मत बोलो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को मतलब भगवान ने ना आपको सबको रास्ता दिखाने के लिए, सबकी लाइफ बनाने के लिए आपको भेजा, हमें तो सच में बिलीव नहीं हो रहा। जब मतलब यस के लिए पूछा तो आगे पीछे हुआ, फिर साइड से ऐसे ऐसे होने लगा, हम एक जगह पकड़े वो अपने आप चल रहा, सच में आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फिर जाके इधर तो सर, थैंक यू आपका, कोई बात नहीं, थैंक यू बोलो, रोको, ठीक है, अब आगे भी चलना है ना, अभी अभी आपके साथ इसका कनेक्शन बैठ गया, कनेक्शन कराया उसके साथ, आपके साथ यस और नो का आंसर कैसे देगा, ये आपके साथ होना जरूरी है। जी जतिंदर भाई बोले, थैंक यू प्रीति जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। सर जब मैंने इससे अपनी यस पूछा तो ये नॉर्थ की तरफ में सीधा गया, सीधा मतलब थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल सीधा जा रहा है, हाँ, या हल्का सा राइट में हुआ, आपके राइट, थोड़ा सा राइट, हाँ, तो यस है आपका जतिंदर भाई। हाँ जी, तो जब मैंने इनसे अपना नो के बारे में पूछा तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ, यानी कि मैं ना नॉर्थ साइड है, थोड़ा नॉर्थ, उसके बाद ईस्ट, ऐसे है उससे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप जब बैठे हैं ना, देखो जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने पेंडुलम लिया, देखना सब लोग ये पेंडुलम लिया, अब मैंने पूछा कोई भी आंसर इससे, मैं अभी हाथ से हिला के दिखा रहा हूँ आपको, अब मैंने पूछा इससे, ये देखो मैंने मेरा यस का आंसर, ये हाथ से ला रहा हूँ, ये राइट की तरफ गया, अब राइट में थोड़ा सा भी जाएगा ना हल्का सा, वो भी आपका यस है हल्का सा, हाँ अगर ऐसे जा रहा है सीधा, बिल्कुल सीधा, आप देख रहे हो बिल्कुल सीधा आगे पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब या तो आपने क्वेश्चन इसको क्लियर नहीं किया है, ठीक है, या अभी ये आंसर देने के मूड में नहीं है, तो एक मिनट रुको फिर दोबारा पूछो, पर आपका ठीक है, हल्का सा राइट में गया फिर लेफ्ट में गया, इट इज ओके। दूसरा, आप ये मत सोचना कि किसी का बहुत तेज घूम रहा है, सर का तो बहुत तेज घूमता है ये, है ना, बहुत घूमता है ना, बिल्कुल पंखड़ी बन जाता है फैन, सीलिंग फैन, है ना, और किसी का बहुत धीरे घूमता है, इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि वो बहुत अच्छा डाउजर है और आप को नहीं आता, या आप अभी सीख रहे हैं, और ये आपकी वहां की एनर्जीज को लेके मूवमेंट करते हैं, अभी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है धीरे धीरे आप लोगों की, ताकि धीरे धीरे कनेक्शन बना रहा है आपके साथ, अभी कनेक्शन आपका बन रहा है। विजय भाई अभी हैंड रेज किसके लिए हैं, किस चीज के लिए हैं ये, बिल्कुल चलिए विजय भाई अभी ये हैंड रेज किस चीज के लिए हैं, यही पूछ रहे थे, सबको समझ आ गया होगा, ठीक है हैंड्स डाउन कर लीजिए, यही पूछने के लिए जिसका नहीं हुआ था क्या प्रॉब्लम थी, सबका हो गया ओके है, समझने में प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक बार अब समझ गए मेरी बात को सारे के सारे। विजय भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल राहुल भाई, आ रही है बोले। मैं कह रहा हूँ जिसका नहीं हुआ एक बार उनसे बात कर लेते फटाफट से, रैपिड स्ट्राइक, बताओ बताओ। हाँ हाँ कौन जी, मनोज जी, रजनीश कौशल जी, रमनजीत जी, सर जी बोलते जा रहे एक एक करके, पहले मनोज जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे मनोज भाई, चला सर जी, राधे राधे, फर्स्ट टाइम हुआ है लेकिन बहुत अलग फीलिंग आई है सर जी। अरे गुरु जी फीलिंग फीलिंग लास्ट में ले लूंगा मैं आपसे, अभी चला नहीं चला उस पर बात कर लो, अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है। पहले जो पहले सर मैंने जो घुमाया तो राइट साइड में उन्होंने किया, हाँ में मैंने पूछा तो, और जब भी वापस रखे थैंक यू बोल के जब भी किया तो उन्होंने राइट में ऐसा राउंड शेप में घुमाया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ओके थैंक यू जी। जिसका नहीं चल रहा है, रजनीश भाई नहीं चल रहा है,
नहीं नहीं राहुल जी, नहीं चल रहा है। चलो रजनी भाई, क्या हुआ कुमार भाई? सर सत्सव भाई जी, बोलो बोलो कुमार भाई, बोल दो। सर हाँ का जवाब तो मिल रहा, ना का जवाब में वो कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा, वो हल्का सा से हिल रहा है सर, हल्का सा लेफ्ट में जा चलेगा, रहा है, हल्का भी हिल रहा है ना, लेफ्ट लेफ्ट में जा का रहा है नहीं, सिर्फ हल्का। उसी जगह पे सर, सिर्फ थोड़ा हल्का सा हिल रहा है। राधे तो राधे चलो सर, अभी अभी अभी, हल्का अभी, अभी हाँ वापिस हम राधे राधे लोग। सर, राधे राधे जी, राधे राधे जी। सर दस्तर जी, मेरा मेरा हाँ मैं आगे पीछे ऐसे जा रहा था, और नाम है एंटी क्लॉक वाइज, दो बार मैंने चलो चेक, एक दोनों बार बार सही मिला मुझे। फिर से सब जने रिस्टार्ट करवाते हैं सबका, ध्यान से सुनो, थैंक यू ना थैंक भी यू। करेंगे और हाँ भी करेंगे, राइट? सब जने एक बार अपने डाउजर को वापस अपने हार्ट चक्र में लगा के और कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली, राइट? दोबारा रखो जिनका नहीं दोबारा हार्ट हुआ चक्र वो में खास तौर रखो, से। राइट? अपने गुरु गाइडेंस का नाम लेंगे, विजय भाई अनम्यूट करो, विजय भाई अनम्यूट कर लो, हाँ अपने हार्ट चक्र भी लगा लीजिए सब जने, और अपने गुरु गाइडेंस वीवो मैडम हाथ मत हिलाओ, मैडम हाथ मत हिलाओ, अपने हार्ट चक्र पे लगा लो, और दोनों हाथ रख के एक बार अपने गुरु गाइडेंस को याद करेंगे, और याद करके बिल्कुल डाउजर को लेंगे अपने एक हाथ पे, राइट? यहाँ से एक विजय भाई ने आपको हील कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, 2 सेकंड आप सिर्फ और सिर्फ अपने डाउजर को हार्ट चक्रा पे लगा के रख लीजिए, कुछ नहीं सोचना, विचारों को शून्य, विचारों को शून्य रखना है, बिल्कुल समर्पण दे दो आप, समर्पण, कुछ नहीं सोचना, दिमाग से बिल्कुल शून्य कर दो धीरे धीरे राइट? कुछ टाइम के लिए, जब तक मेरे ठीक साथ है, बैठे हैं। अपना अपना डाउजर चल क्वेश्चन उठाएंगे, अपना अपना डाउजर उठाएंगे और बड़े बिल्कुल अधिकार से क्लियर करना पूछेंगे है। उससे, हाँ उसका नाम नाम रखा था ना, लेके, पूछो। उसका नाम लेके बिल्कुल बिल्कुल अधिकार से पूछेंगे, अपने पूरा अधिकार से, मुझे ना का जवाब कैसे मिलेगा, मुझे ना का जवाब कैसे मिलेगा, नाम लेके बिल्कुल पूछेंगे उनका, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर ना की तरफ बिल्कुल अधिकार से पूछिए, ना का जवाब कैसे मिलेगा, आप ना का जवाब मुझे कैसे देंगे, और क्लियर करें, स्पष्ट करें, बोले उसको कि बिल्कुल क्लियर ये बात जवाब बोले कि दीजिए, स्पष्ट करें, क्लियर स्पष्ट बताओ, क्लियर बताओ, मूवमेंट थोड़ी तेज करो, मुझे क्लियर बताओ, बहुत तेज स्पीड स्पीड बढ़ाएं, स्पीड फर्स्ट, रन फास्ट, रिप्लाई फास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का अभी भी स्लो है, मूवमेंट होनी चाहिए, स्लो हो रिप्लाई रहा है कोई दिक्कत, फास्ट, स्पीड तो हम पकड़वा देंगे, राजधानी बना अधिकार देंगे इसको। अधिकार पूरा होना चाहिए, सिन्हा साहब अपना हाथ थोड़ा धागा छोटा करो, प्रियंका थोड़ा सा धागा छोटा करो, कुमार भाई बिल्कुल अधिकार से जोर से अपने मन से मुंह से आवाज निकलनी चाहिए आपके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा कर रहे हैं। विश्वास देखो बहुत जरूरी है आपका, समर्पण बहुत जरूरी है, सरेंडर बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, राइट? सिखा सकता हूँ, चलना आपको है, मनोज जी ठीक। इसको बिल्कुल अधिकार से पूछो, हरमीत भाई बिल्कुल पूछो, पूछते रहो 2 मिनट 3 मिनट के, पूछते रहो, मैं देख रहा हूं आप सबको, पूछो पूछो, मैं भी देख रहा हूँ, रोको पूछो मत, पूछो, करते रहो, कोई हाँ दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ये एक ही मूवमेंट करना है अभी हमें, तो इसके बाद जो मूवमेंट कराऊंगा पूरे प्रॉपर मूवमेंट होंगे, चलने ही चाहिए। रितु शर्मा जी उसको बोलो और स्पीड, और क्लियर करो, उसको बोलो और क्लियर बोलो करो, प्लीज, क्लियर बताओ, थोड़ी प्लीज स्पीड क्लियर टू बढ़ाओ। आंसर, बहुत बढ़िया पटेल मुनीता बहुत जी, बढ़िया बहुत बढ़िया। शालू मैम, उसको और अधिकार से आवाज दो उसको, हर्षिता आप अच्छा कर अपने रही हो, दोस्त बहुत से, बढ़िया। अपने अंशु मैम धागा छोटा करो, हाँ अपने दोस्त से जय कैसे बात करते हो, अपने भाई प्रार्थना से कैसे जी, बात करते करो हो, करो, ठीक है, डन डन, बिल्कुल वो अधिकार सोचो ये दिखाओ आपका उसपे, सखा है, ये आपका मित्र है, अधिकार से बात करो इससे, बिल्कुल अधिकार से, गुड, बहुत बढ़िया सुनीता जी, मूवमेंट आएगी आएगी 100% आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी, 100% आएगी, चाहे धीरे आए, मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, धीरे होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें धीरे हो रही है, कोई इशू नहीं, ठीक है। कुमार अनम्यूट करो।
डाउजर उस हाथ नीचे से, नीचे से हाथ हटा दे, नीचे से हाथ हटा दो, डाउजर को पकड़ो हाथ में, इसका नाम लेके बोलो, पूछो कि ना का जवाब मुझे कैसे मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कौशिक जी, बहुत बढ़िया, प्लीज क्लियर करें कुमार भाई, जो जो बढ़िया क्लियर करें प्लीज। हाँ जी मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया, और स्पीड से कर रहे हैं नहीं कर रहे, और स्पीड से, और स्पीड से, बहुत बढ़िया स्मिता जी, कांता जी मिला, यस सर, सपना जी करें करें, सपना जी करो, एक सेकंड इनसे बात कर रही है इतनी देर से, वीवो वाले भाई साहब हाथ हिला रहे। हाँ भाई साहब लाओ लाओ बात करो, बोलो सर। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते, नमस्कार जी, राधे राधे जी, नमस्कार जी, राधे राधे। हाँ मैं थाट रेकी किए हैं, थाट रेकी करने के बाद ड्राउजिंग भी किए हैं, तो मैंने क्रॉस अप डाउन लेफ्ट राइट सब कुछ किए हैं, लेकिन आज एक महसूस हुआ है कि बीपक जी सही से ड्राउजिंग क्या है और अंतरात्मा से जागृत कर दिया मेरे को। मैं उस गुरु जी से सीखा है, लेकिन ड्राउजिंग को जो परमात्मा से बात करने के बाद उनको जगाना सर, है, अभी तो कुछ भी नहीं सीखे हो, अभी विजय भाई का 1 महीने का कोर्स आता है 21 दिन का, उसमें ड्राउजर के साथ वो चमत्कार कर जाते हो जो आपने सोचे भी नहीं होंगे जीवन में, बियॉन्ड योर थिंकिंग है। ड्राउजिंग मेरे हाथ में है, तो गुरु जी जैसे बोले हैं ना, मैंने जब बोले राइट यस कैंसर दो तो मेरा राइट राइट में ऐसे घूमना, जब लेफ्ट बोले तो माने नो बोले तो लेफ्ट में घूमने लगा जी जी, ये चीज क्लियर हो गया, अभी कर रहे हैं इसका अगर प्रोसेस अब चालू करूंगा मैं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए भाई 1 सेकंड में 2-3 जनों से बात करने दो मुझे जी। हरमीत भाई प्लीज प्लीज। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे अरमीत, कैसे हो? राधे राधे, मैं ठीक हूँ गुरु जी, आप सुनाओ ठीक हो जी? बहुत बढ़िया, बोल दो गुरु जी, जब मैंने यस का पूछा तो मेरा राइट में गया, बहुत बढ़िया ठीक है जी, तो जब मैंने नो का पूछा तो आगे पीछे होना शुरू हो गया, 3 बार किया, तीनों बार सेम आया है, यस का राइट में गया और नो का जो आगे पीछे गया है, थोड़ा सा देखो मूवमेंट कर रहा होगा लेफ्ट की तरफ, एक काम करो दिखाओ अभी, लगाओ लगाओ हाथ में, करो करो एक बार लो गुरु जी मेरा, देखो चल रहा है ना, जा रहा है ना मैडम, मत दिखाओ, जा रहा है तो मत दिखाओ, चल रहा है ना, हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हिल रहा है, स्टार्टिंग कर चुका है, जब अभी ये समय सबका कंज्यूम होना चाहिए, जा रहा है देखो बिल्कुल लेफ्ट जा रहा है, अनमित बाजी जा रहा है ना जी जी सर, फिर अब कैसे चला गया, अब कैसे चला गया हरमीत, अब मैंने करा नहीं सर, ना ना ना, ए ए सर, ए मैं यस पूछ रहे हूँ, यस सर जे एमए जा रहे हैं, जिसमें मैं नो पूछूंगा ना सर, नो पूछूंगा, देखो हत्ते लो, रोको स्टॉप करके थैंक यू बोलो, उसको सर पे लगाओ, चेन थोड़ी लंबी करें, चेन वैसे लंबी होनी चाहिए, ठीक है करो, इसे इसे पूछो नो, हाउ डू यू से मी नो, आप मुझे नो का जवाब कैसे देंगे, नाम का जवाब क्या मिलेगा, नाम लेके ये देखो सर, नो नो का जवाब ऐसे है सर, पूछो उससे, हाथ मत हिलाओ, बस हाथ को रोके रखो, स्टॉप सर, हाथ रुके हुए सर, हाथ मेरा रुका हुआ है, नो का सुन लो बाजी, सुनो सुनो, सुनने की कोशिश करो, इसको बोलो स्टॉप, स्टॉप स्टॉप, कंटिन्यू बोलो 3 बार इसको, स्टॉप प्लीज, स्टॉप प्लीज, स्टॉप रुक गया, स्टॉप रुक गया सर, बोलो थैंक यू, बोलो उसको थैंक यू विनो, थैंक यू प्लीज क्लियर मी आंसर ऑफ नो, मुझे ना का जवाब क्लियर करके दो, बिल्कुल हल्के हल्के मूवमेंट चालू हो जाएगी, और क्लियर करो, बोलो क्लियर करो, क्लियर आंसर, हाथ हटा दो, अब नीचे वाला, नीचे वाला हाथ हटा दो, क्लियर मी आंसर, बोलो उसको, बिल्कुल सर, मैं बोल रहा सर, नो द आंसर, आगे पीछे जा रहे हैं, अरे मैं कह रहा तुहानू जो तो कर लो पाजी, तुम अपनी गलत क्यों कह रहे हो, मैं जो कह सर वही बोल रहे जी, सर वही बोल रहे हैं, चलिए काम कर, वॉश करके आओ, वॉश करके ला, वॉश करके ला, अभी करवाते हैं, ठीक है सर, कोई बात जी, उद्वानी जी क्या हुआ बताओ फटाफट से सर। हाँ। सर मैं तो, मुझे क्या पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या किस क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना, हाँ या ना पूछना है, सिर्फ एक बार अभी, और क्या पूछना है मैडम,
किसी के बारे में कुछ नहीं। किसी के बारे में नहीं पूछा मैडम, माता मेरी माता भी थोड़ी शांति कर ले, थोड़ी दिन रुक जा, फिर कराऊंगा वो भी सिखाऊंगा किसी के बारे में, अभी वो आगे मत जा, आना तो सीख लो पहले। बोलो सरकार। सर एक बात है कि मैं तो बंगाली हूँ, पहले जब बांग्ला में पूछ रही थी तब वो जवाब नहीं दे देते, अरे मेरी फिर जब हिंदी में पूछा फिर हेलो। वो पूरा हिलने लगा एकदम, आगे पीछे हाँ बोला और थोड़ा सा लेफ्ट होके ना बोल रहे हैं अरे वो बंगला हिंदी सिर्फ। भाषा सब भाषा समझता है। तो वही तो हम वही यही बोलने के लिए हमारा रेज हैंड रेज किया कि चलो कोई बांग्ला बात क्यों नहीं नहीं, कोई समझे। दिक्कत, ठीक कोई इशू हो जाएगा, हो है जाएगा, सर, वो भी हो जाएगा। हेलो, ठीक है सर, बोलिए सर, थैंक यू बोलिए। सर। हाँ जी, मेरा जब यस का बोलता हूँ तो राइट और लेफ्ट आगे ऐसे होता है, तो जब नो का पूछो तो फिर ऐसे कर रहा है आमने सामने। चलो, जिन जिन का आमने सामने जाता है ना, वो एक बार रनिंग वाटर से, सॉल्ट वाटर से वॉश कर लो और एक बार फिर चेक करो, सॉल्ट वाटर से ढंग से वॉश करके एक बार फिर चेक कर लो। क्योंकि देखो ठीक, अगर मूवमेंट नहीं होती तो राइट में भी नहीं होती आप लोगों की, नहीं, कईयों की मूवमेंट तो हो राइट रही है में भी। सर, पूरी अच्छा मूवमेंट पूरी हो रही है, ये ओके देखो ओके बहुत बढ़िया सर। तो प्रॉब्लम क्या आ मेरा रही है सर? मेरा मेरा नो का आंसर कैसे दोगे, मेरा नो का आंसर कैसे दोगे, आप मुझे नो का आंसर कैसे दोगे? आप मुझे नो का आंसर कैसे दोगे, आप मुझे नो का आर आंसर यू कैसे सेइंग दोगे? नो? थोड़ा फास्ट फास्ट, थोड़ा फास्ट, और लेफ्ट फास्ट, और फास्ट, की लेफ्ट की तरफ जाएगा, चाहे सीधा होके लेफ्ट में जाए पर जाएगा लेफ्ट में ही, हल्का सा चाहे हल्की भी मूवमेंट अगर राइट लेफ्ट की तरफ कर रहा है तो वो नो है, हल्का भी, इस पर ध्यान और देना, फास्ट, वो धीरे और धीरे फास्ट, प्रैक्टिस से बढ़ा देगा आप। और फास्ट, और फास्ट, और देखो जा फास्ट, रहा है, देखो हाँ, और फास्ट। यस चलो यस, रन 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 रन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। जी बलवी जी, ये मेरा नहीं हो रहा है। हे भगवान, ऐसे मत बनाओ शक्ल, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है हो जाएगा। बिल्कुल ही इसको नहीं हो वॉश रहा, करके कुछ लाओ। भी नहीं। क्या, किस चीज का बनाया आपने, मेरा यस का डाउजर किस आंसर चीज का कैसे बनाया दो, है? मेरा यस का आंसर कैसे दोगे, फास्ट, ये आप रिंग इसमें, है, और फास्ट, इसमें इसमें रिंग रिंग है है, ना, रिंग है और ना, फास्ट, इसको रिंग हैवी है रिंग, रिंग यस का हैवी है, नहीं, बहुत कैसे बहुत दोगे, लाइट है, बहुत तो फिर लाइट और है। फास्ट, तो मैडम मैंने हैवी बोला था, तो ये और हैवी रिंग फास्ट, लगाओ, यस का आंसर लगाओ इसमें। कैसे दोगे। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, लगाती लगाओ हूँ। लगाओ लगाओ। हाँ जी राधे राधे। यस का आंसर कैसे दोगे, और फास्ट। जी विजय भैया, जी, चलें आगे बिल्कुल आगे चलते हैं जी, आगे चल। अनम्यूट करो पहले तो आप अपने आप को। एक अब आगे चलते हैं। समय विजय भाई, चलने से पहले, इज देयर सम काइंड ऑफ, जिसने पहली बार ड्राउजर चलाया वो कैसा फील कर रहे हो, खाली मैं वो जानना चाहूंगा एक आधे आदमी से। फर्स्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम टाइम किसी ने चला है चलाया, पीयूष गोयल, जी सर। सीटी, कुमार भाई। राधे जी राधे, सर, मुझे बहुत ज्यादा पता, हैरानी फील हुई, एकदम से ऐसे वाइब्रेशन होने लग गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा घूम गया भाई तो एकदम से, पूरा पेंडुलम ब्राउजर जी मतलब। नहीं, सर मेरे लिए तो चमत्कार से ज्यादा ही है कुछ। ये चमत्कार से वाकई ही ज्यादा है जी ड्राउजर, सर अगर बिल्कुल इंडिया में ड्राउजर में वैसे भी नहीं है, ड्राउजर सी सर। बहुत कमी है ये। आप विजय सर, मुझे एक चीज पूछना है कि जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो बैक पेन काफी ज्यादा हो रहा था, ये क्या नॉर्मल है ये या? हाँ, मतलब आपका रूट प्रक्रिया ब्लॉक है, वहां से ब्लॉकेजेस ब्लॉकेज है निकल रही वो है, ये निकाल रहा है, धीरे धीरे निकल जाएगी, चिंता मत करो, हो जाएगा, नॉर्मल ठीक हो हो जाओ, जाएगा ना, टेंशन मतलब कुछ भी ये नहीं। नॉर्मल हो जाएगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सही टेंशन नहीं होगा, होगा, नॉर्मल बिल्कुल क्या, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे, वो ओके, वो क्यों हो जाएंगे। भी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। जी जी प्रीति मैम, अमित राधे सर, राधे, राधे राधे, जी सच में ये लग राधे रहा है राधे। कि वैसे किसी पे बिलीव नहीं करती, गॉड पे भरोसा करती हूँ, अभी तो सच में ये लग रहा है कि मैं एक जगह रोकती हूँ, इसका जवाब देती हूँ, हेलो हेलो दो भी आंसर देते हेलो हैं, और मतलब दो का जवाब देती हूँ, ये हेलो लग रहा है कि सारे कुछ मतलब बहुत कुछ लाइफ में मैं नहीं किया, बहुत अच्छा, पहली बार किया है, बहुत अच्छा लग सब आपकी, सब आपकी मेहनत है, आपका विश्वास है। देखो डाउजिंग करने के लिए आपको सरेंडर होना तो पड़ेगा, रहा है जी अमित भाई। ठीक है ना? हाँ सर, मेरे को बिल्कुल ऐसा वाइब्रेशन हुआ कि मतलब मैं वाकई में कुछ जुड़ गया हूँ। एक्चुअली सर मैं एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो जी मेरे को बहुत ही मतलब अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ आज मुझे, कि मुझे लगा कि हाँ ये
वर्क करता है, मतलब किस तरीके से ब्रह्मांड से कनेक्ट हुआ और हमारी कमांड वो ले रहा है, हम जो बोल रहे हैं वो कर सर का रहा है जवाब वो। कैसे दोगे? मैं सर वो आपकी कमांड नहीं ले रहा है, वो यूनिवर्स की कमांड ले रहा है, आपसे उससे पूछ रहे हो, अभी आपसे माध्यम हो उसके, अभी उसके आपकी बात वो नहीं सुनता, वो सही हो नहीं ये तो अभी जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब दे रहा है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में किसी को समझो कि रेमेडी दे रहे हो कि इसका राहु चौथे घर में है, आप पूरी कुंडली बना सकते हो इसके सिर्फ ब्राउजर से, बिना डेट ऑफ बर्थ पूछे, बिना टाइम पूछे, यहां तक की एक प्रैक्टिस है, मैं यहां तो तक उस की रूम प्रैक्टिस में कराता हूँ वो अपनी क्लास में। मॉस्किटो वाला जला दे बेटा। ठीक हम इतनी प्रैक्टिस कराते हैं डाउजर है की माधुरी अपनी जी, क्लास जला में दीजिए। कि आप बिलीव नहीं करोगे कि आप बिना डेट ऑफ बर्थ टाइम के किसी की पूरी कुंडली बनानी कि कौन सा घर कौन से खाने में बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है और उसको क्या रिजल्ट देगा, बियॉन्ड टू करिए यस मी और नो है सर, कहाँ यस सर बैठा है, किस तरीके से है, क्या कर रहा है, वो सब बताएगा। और यहां तक कि आपने जो उपाय कर रखा है या दे दिया किसी को, उस हाँ उपाय जी को वो उसके लिए फलित होगा या नहीं होगा उसका भी 100% श्योर जवाब देगा। ओके सर ओके सर, इसका म्यूजिक ये लिए म्यूजिक एक्सपीरियंस सर। डन 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 अभी तो राइट ये अमित भाई कुछ नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। जी, चलें विजय भाई आगे चलें। बिल्कुल चलते हैं, थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं भाई, चले जी चले, प्रभु, जी प्रभु, चलते हैं बढ़ाएं बस सर। गाड़ी को आगे। साथ में एक चीज बताना, मैं जब तक बच्चा करो मैं बताता हूँ, अब जी आगे जी जी बताओ क्या कौन सी कमांड देनी इनको। चलिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, जतिंदर भाई बात करता हूँ, पहले आप थोड़ा सा सीख लें फिर बात करते हैं आपसे, ठीक है? चलिए अब आप एक पेपर लेंगे, व्हाइट पेपर, ठीक है? व्हाइट पेपर लेना, एक व्हाइट पेपर ले लो, अगर व्हाइट नहीं है लाइनिंग वाला पेपर ले लो, पर ले लो। हे प्रभु, शोभा जी दया करो, अच्छा सा पेपर ले लो पेपर पे, ठीक है डन। अब एक पेन ले लेना है आपने, ब्लू कलर का पेपर और पेन पेन सबके का पास अरेंजमेंट करो, 2 मिनट का समय देता हूँ सबको, पेपर और पेन का अरेंजमेंट कर लो क्योंकि पेपर और अब पेन। आगे चल रहे हैं अपने, तो पेपर पेन का अरेंजमेंट करो। और एक कटोरी हो तो कटोरी, नहीं तो चूड़ी हो तो चूड़ी, कड़ा हो तो कड़ा भी मंगा लो, ले आओ, कड़ा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चूड़ी तो सबके पास होगा बिल्कुल ना, अमित भाई चलेगा। है ना? होगा, नहीं तो कटोरी मिल जाएगी। ओके ओके ठीक है शोभा जी, ओके डन डन, मान गए भाई, मान गए, हम समझ गए समझ गए समझ गए, कौन ठीक है। डरा रहा है सर विजय भाई, आपको भी बताना बताओ, कोई शोभा जी डर बिल्कुल सीरियस हो गई, कह रही है देखो कितनी सारी चूड़ियां कौन सी निकाल ली सोने की है तो एड्रेस भेज देते हैं बिल्कुल देख लो आप। डन चलिए आगे सब जने रेडी हैं ऑलमोस्ट विजय भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक रेडी होंगे, हैं प्रियंका जी रेडी? चलो रेडी होने से पहले एक चीज बता देता हूँ, विजय सर की डाउजिंग की 21 दिन की प्रोफेशनल डाउजिंग की क्लास आ रही है। बेसिक तो आपको यहीं पे सिखा देगा, पर वापस वहां से जीरो से शुरू होगा। कंप्लीट कोर्स 3 वीक का ये कोर्स रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। 2 बैचेस हैं, 5 बजे और 9 बजे। यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। फर्स्ट डे का ऑफर दे रहा हूँ, ये ऑफर कल रात को 9 बजे तक वेबिनार तक वैलिड रहेगा, 3540। कल रेट बढ़ेंगे, चॉइस आपकी है, पेमेंट डिटेल आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, नहीं तो आपके ग्रुप में जो अंकों खेल की पेमेंट आती है उसके माध्यम से कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको अपना नाम, अपना बैच का टाइम और स्क्रीनशॉट भेजना है। राइट, कहाँ भेजना है? 7715930333 पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। और राइट, इस क्लास में राहुल भाई बता दूं क्या क्या आप सीखेंगे, एक बता दो। इस क्लास के अंदर आप क्या क्या सीखोगे मालूम है? सिर्फ यस और नो नहीं सीखोगे, ये तो सर अभी मैं यही दो से सिखा तीन देंगे, दिन में क्लास में काफी कुछ सिखा दूंगा आपको मैं, बट ये जो क्लास है 21 डेज, ये प्रोफेशनल क्लास है। प्रोफेशनल क्लास मतलब आप इसको सीख के आगे लोगों के लिए अपने लिए हेल्प कर सकते हैं, अपनी और दूसरे। इसमें क्या सीखने वाले हैं कि सामने वाले की एनर्जीज कैसी हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरा कितने परसेंट है, कोई पर्सन अगर आपके पास है तो उसकी एनर्जीज को कैसे मेजर करना है, जो नहीं है उसकी एनर्जीज को कैसे मेजर करना है, दूसरा नजर दोष जो बहुत कॉमन है हमारे इंडिया के अंदर, लगा है या नहीं लगा, है ना, दूसरा नजर दोष, बंधन दोष, बाधा दोष। बंधन दोष, किसी ने कुछ बांधा हुआ है हमें तो किसी मेल ने बांधा है फीमेल ने बांधा है, किसी ने कुछ करा हुआ है तो किसी मेल के द्वारा करा हुआ है फीमेल के द्वारा करा हुआ है, बहुत कुछ। दूसरा
आपका जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन को इससे ढूंढवाऊंगा आपको मैं। आपके घर में एक लाइन होती है जियोपैथिक, जिसको आप यूट्यूब पे पढ़ना, आपको पता चलेगा बड़ी हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए खासतौर से, ठीक है, हेल्थ फाइनेंस हेल्थ के लिए। जो वहां रहता है प्रॉपर, उसकी हेल्थ अचानक से, आपने देखा हो किसी की हेल्थ अचानक से खराब, रीजन क्या है, तो वो एक लाइन होती है, वो हम आपको ढूंढना बताऊंगा कैसे ढूंढनी है आपके घर के अंदर, ठीक है। कलर लॉजी, कौन सा कलर आपको सूट करता है, वो कलर बताऊंगा कि कुछ कलर होते हैं हमारे को सूट नहीं करते पर हम उसी को पहनते हैं, हमें बेनिफिट ही नहीं होता है, तो हमारे ऑरा के अकॉर्डिंग हमें कौन सी चीज सूट कर रही है कलर्स के अंदर, वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, कलर सही है गलत है, कितने परसेंट अच्छा है आपके लिए, वो बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरा, आपके लिए नवग्रह, नवग्रह के अंदर प्लैनेट जो है, कौन सा प्लैनेट कितने परसेंट आपको आशीर्वाद दे रहा है, वो आपको बताने वाला हूँ। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है ये, पूरी ठीक है। कुंडली बनाना उसके अलावा सिखाना, कुंडली बनाना सिखा दूंगा आपको, जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, डाउजर से, है ना, कभी सीखी है, नहीं सीखी तो इसमें वो बताएंगे आपकी प्रैक्टिस, बताऊंगा मैं प्रैक्टिस करने के एस्ट्रोलॉजी बाद, आने आप की जरूरत नहीं है उसके लिए, कि उसके आपको लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत एस्ट्रोलॉजी नहीं है, या वास्तु हमें आ रहा हो ये वास्तु की जरूरत तीनों। नहीं, एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं, न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं इसको, उसके आपका विश्वास चाहिए बस मुझे, और आपका सरेंडर चाहिए, करना आपको ही है। टिकट लेके प्लेन में तो बिठा मैं दूंगा, पर बैठना कैसे है, कहां तक जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे कौन सा प्लैनेट मैंने बताया, दूसरा नवग्रह का बताया, चक्रा, सेवन चक्रा में से कौन सा चक्रा बैलेंस है इनबैलेंस है, उसको हील करना पॉजिटिव करना, ये सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक खुद है। को हील वास्तु के करना, अंदर सामने वाले को भी हील करना, अगर आपके इसका और पेशेंट है, क्लाइंट है, दोस्त है, मित्र है, किसी घर को वाले भी, हैं, किसी को भी हील कर सकते हो। जो नहीं है उसको भी कैसे हील करोगे, जो आपके पास सामने भी नहीं है उसको कैसे हील करके ठीक करने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें। दूसरा वास्तु, वास्तु के अंदर आपके घर की डायरेक्शंस बताऊंगा, जिनको वास्तु नहीं आता कि डायरेक्शंस को कैसे ढूंढना है। दूसरा, कौन सी डायरेक्शन की एनर्जी कितने परसेंट दे रही है आपको, ईस्ट की एनर्जी कितने परसेंट है, नॉर्थ की कितनी है, वेस्ट की कितनी है, सही है गलत है, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। दूसरा आपको इसके अंदर बताऊंगा दो पर्सन की कंपैटिबिलिटी, अगर कोई कुंडली लेके आता है आपके पास तो वो कुंडली मैच करती है नहीं करती, या वो पर्सन की फोटो लाता है, कुंडली नहीं है, फोटो लाके मैच करना है कि ये दोनों पर्सन कितने परसेंट पहली बार तो कंपैटिबल है या नहीं है, और कितने परसेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है सीखने के बाद अपने पति के बारे में और अपनी पत्नी के बारे में पूछना चालू कर दो, क्योंकि भैया शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो हाँ, सकता, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपके लिए आपके यहाँ पे वास्तु में कौन सी चीज जो पड़ी है वो सही डायरेक्शन में या नहीं है, कितने परसेंट एनर्जी दे रही है वो आपको। आपका अगर सोफा पड़ा है इस डायरेक्शन में, ठीक है नहीं है, थोड़ा सा खसका दूंगी तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप जहां बैठते हो उस जगह की एनर्जी कितने परसेंट अच्छी है आपके लिए, पॉजिटिव है या नहीं है। कई बार लोगों को सर में दर्द होता है एक जगह बैठ के, एक जगह बैठ ही नहीं पाते, है ना, प्रॉब्लम्स होती है, एक जगह बैठने से बिजनेस नहीं आ पा रहा, पर कई बार जगह चेंज करने से बिजनेस बढ़ना चालू हो जाता है ना, तो वो जगह की एनर्जीज कैसी है ये पता चलेगा। दूसरा आपको मैप के ऊपर ये थोड़ा सा सिखा दूंगा कि अगर किसी का मैप आता है तो उस मैप के अंदर मैप को देख के बता दोगे कि इस रूम की एनर्जीज कैसी है, उस रूम की एनर्जीज कैसी है, इसकी दिशा कैसी है। जियोपैथिक अगर मैं बता आपको सिखाऊंगा कि जियोपैथिक अगर उस पे मैप पे है तो उसके घर में भी वही निकलेगा, ये तक आपको बता दूंगा बैठे बैठे कि उसके घर में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये चार्ट के अंदर आपको सिखाया जाएगा, 21 डेज की क्लास है। दूसरा, कोई पर्सन खो गया है, हैं, कोई चीज खो गई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर पर्सन मिलेगा तो वो अपनी मर्जी से गया है या किसी के बहकावे में गया है, कहाँ मिलने की आशंका है, कहाँ मिल सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, क्लास में प्रोफेशनल क्लास में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है ना। दूसरा, मेरे साथ प्रॉपर मेडिटेशन रहेगी, जितने दिन क्लास रहेगी मेरे साथ मेडिटेशन रहेगी, क्यों रहेगी मेडिटेशन, कि आपके चक्रास बैलेंस हो, आप जो सीख रहे हैं वो आपके अंदर समाहित हो, है ना, क्योंकि आप सीख पाओगे तो अपना और दूसरों का भला जब भी कर पाओगे, है ना। तो ये चीजें हैं, जिसको जिसको नींद आ रही है चाय बना ले मेरे लिए और अपने लिए, ठीक है, तो ये चीजें करनी है सबसे पहले,
ठीक है, और इसके बहुत अलावा सारी बहुत चीजें कुछ है हैं, इस मिसिंग क्लास के अंदर, पर्सन्स, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस क्लास के अंदर। इसके अलावा किसी प्रोफेसर शॉप बहुत, को, मतलब बहुत किसी कुछ है। किसी को एनालाइज करना हो किसी चीज को, किसी सबके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशन समझ आएंगे, स्टडी मटेरियल, सर्टिफिकेट और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। कंप्लीट प्रोफेशनल डाउजिंग, आप डाउजर बन सकते हो, जमीन के कितने गहराई में नीचे पानी है या नहीं है, कोई भी चीज को कैसे ढूंढना है वो समझ सकते हो। कि जैसे कि सबसे पहला एक उदाहरण दिया था कि यहाँ तक कि किसी आदमी की लोकेशन तक वो जीवित है या नहीं है वो भी ढूंढ पाओगे, राइट? तो ऐसे केस भी आएंगे तो उठा सकते हो। एनर्जीज को पूरी तरह रिफाइन कर सकते हो, अपने घर की एनर्जी को चार्ज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और कंप्लीटली बदल सकते हो, राइट? सो बहुत कुछ जी सीखने वाले हैं इस प्रोफेशनल डाउजिंग के अंदर। विजय सर के साथ दो बैच हैं, 5 बजे और 9 बजे, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट टाइम हो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लास है 3540 रुपये की और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है। सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल भाई, सेशन, जस्ट ₹3540। बहुत बढ़िया, ये बहुत थ्री बढ़िया। फाइव फोर जीरो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कल तक के लिए वैलिड है। पेमेंट नहीं हो तो मुझे व्हाट्सअप करके पेमेंट डिटेल ले लेना ग्रुप के अंदर। और जैसे कलर थेरेपी की या मैनिफेस्टेशन की पेमेंट आई हुई है तो वहां से भी आप इसको देख के, वही पेमेंट अकाउंट डिटेल सेम है, आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7715930333 पे। यू थिंक बियॉन्ड, मतलब आप जो सोच रहे हो उससे बियॉन्ड है डाउजिंग, इज नॉट यस एंड नो। जितना लोग आपको 1500, 2000, 4000, 5000 में सिखाते हैं वो 3 दिन की फ्री क्लास में मैं और विजय भाई आपको यहीं सिखा देंगे। ऑलराइट जी विजय भैया, चलें आगे की तरफ, बिल्कुल चलते छुड़ी आ हैं, गई। जॉब कौन सा अच्छा रहेगा, बिजनेस कौन सा अच्छा रहेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए अच्छा है नहीं है, कितने परसेंट, बहुत कुछ सीखने वाले, ठीक है, बहुत कुछ, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस जवाब को आज तक आपको मिला नहीं डे टू डे लाइफ में एंड होल लाइफ में, आपको जिस सवाल का जवाब नहीं मिला उसका जवाब आपको डाउजिंग दे सकता है, राइट? विजय भाई नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। चलिए, पेन और सब पेपर तैयार, ले आए थे पेन रेडी पेपर, रेडी, चलो अबे क्या करेंगे इसके अंदर, इसका एक हवाई जहाज बनाएंगे और आपस में एक दूसरे के घर में फेंकेंगे, ये नहीं करना है, हाँ ये नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना। हमें करना क्या है, हमें करना है सबसे पहले पेपर लेना है, पेपर वाइट लिया, अब इस वाइट पेपर पर आपने एक राउंड बनाना है, 4 इंच का राउंड बनाना है, कम से कम अंदाजे से, कटोरी से बनाओ, मैंने बोला था ना इसीलिए कि बैंगल्स, करो, स्त्रियों का प्रिय कड़ी बैंगल्स चूड़ी बना जिससे सकते हैं, बनाना चूड़ी, बनाओ बैंगल, कड़ा, है बनाओ, ना। उस पर छोटे छोटे तीर लगवा दो गुरुजी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 राहुल भाई, लगवा ले, चलो लगाओ तीर, लगाओ राइट से लेफ्ट की तरफ तीर लगाओ, राउंड बना लिया, नहीं बनाया, बीचों दिखाऊं मैं, बीच बना पॉइंट, के दिखाता हूँ तुमको, बीचों है बीच ना। पॉइंट लगाओ, बना लिया राउंड। देखो मैडम ने बना भी दिया राउंड, रमनजीत कौर ने, कौन सी मैडम, क्या रमनजीत कौर स्पॉटलाइट पे देखो सर आपके। हाँ बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया, 1 सेकंड, मैंने एक्चुअल में ना वो व्यू, बहुत बढ़िया, क्या बात है रमन जीत जी, राधे राधे, श्री राधे, बहुत बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बढ़िया, गुड, सही है कुमार भाई। अब इसके बीचों बीच एक पॉइंट लगा दो, बीचों बीच एक छोटा सा पॉइंट बना लो, बीचों बीच एक पॉइंट बना लो, बन गया? बिल्कुल बिल्कुल जब एक देखो छोटा, ये देखो, मुझे देख पा रहे राहुल भाई साहब, हाँ आपको सब देख सकते हैं। देखो आपने अपनी राइट की तरफ ये तीर बनाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, इस सर्कल के ऊपर, कुमार भाई विजय दिख रहे हैं, विजय भाई दिख रहे हैं जी सर, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सर। आप सबका हो जाए तो अपने अपने स्क्रीन पे थम्स अप दिखा दो। डन डन डन, ये तो मैडम कहाँ खो गए शर्मा जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वीरेंद्र भाई ने बना लिया, जितेंद्र भाजी ने बना लिया, जितेंद्र भाजी बना गया, वाह ग्रेट भाजी ग्रेट, एकदम बढ़िया। एना तो कड़ा आज कम आ गया, कविता जी का बन गया, पल्लवी झा जी ने बना लिया, ठाकुर तरुण वर्मा ने बना लिया,
डन 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 डन, बहुत बढ़िया, रविंद्र भाई साहब ने बना लिया, राहुल जी ने बना लिया, हाँ भाई अब जिस जिसके पास निषेध जी गोल्ड की चूड़ी से बनाया, बनाया है, वो एड्रेस दे लो मेरा, उस पे भेज दो। निषेध जी बना दिया, डन, ग्रेट, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो बन गया विजय भाई, डन है, ऑलमोस्ट डन है। ओके चलिए, अब क्या करना है, आपने इसका जो पॉइंट था डाउजर को लेना है। हमेशा चीजों का ध्यान रखिएगा, डाउजर को जब भी आप लेंगे, लेने के बाद अपनी थर्ड आई पे टच करेंगे, अपने थ्रॉट चक्रा पे टच करेंगे, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद अपने हार्ट पे टच करेंगे, और उसके बाद अपने गॉड गुरु गाइडेंस का नाम लेके इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, इस पॉइंट पे टच करेंगे। पॉइंट दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है पॉइंट बीचों या नहीं बीच जो दिख रहा? पॉइंट लगाया था, बिल्कुल इस पॉइंट पे टच करके उससे 2 इंच के आसपास ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे मूव राइट मूव राइट एक मूव ही राइट, आवाज या आनी चाहिए आपका ना, उस डाउजर का नाम लेके मूव बोलेंगे मूव क्लॉकवाइज, राइट, मूव मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मूव मूव क्लॉक, क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज बोलो, मूव क्लॉकवाइज, हाथ मूव क्लॉकवाइज स्टडी, बोलो हाथ स्टडी होना चाहिए, हाथ नहीं हिलना चाहिए आपका दीपाली बोलो बोलो जी, हाथ बोलो। नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ एक अधिकार से, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, देखो अधिकार नहीं दोगे तो कोई फायदा नहीं है, मूव क्लॉकवाइज, प्रियंका जी अधिकार से ठीक है। थोड़ा कई बार क्या होता है कि बच्चा थोड़ा चलेगा, धीरे पीछे धीरे होता है ना, चलेगा, पर चलेगा जरूर, गारंटी के साथ। सुनता है मानता है ना। भावना जी थोड़ा अधिकार से बोलो, जोर लगा के बोलो, नहीं तो डांटना मत मूव बस, मूव क्लॉकवाइज, मूव मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव मूव फास्ट। क्लॉक। ओ आडवाणी साहब क्या बात है, रितु मैडम कागज को नीचे रख दो, जमीन पर कागज को टेबल पे रख दो, रितु शर्मा जी, हाँ, और हाथ को थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल, हाँ, अब इसको घुमाओ, बोलो इसको अधिकार से दो, बहुत बढ़िया दोस्त, वर्किंग ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, डाउजर नहीं है, डाउजर बनाओ, बताया था। दोबारा बता देंगे कल फिर, अब तो हाँ जी वाह, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव फास्ट, बोलो मूव फास्ट, मूव मूव फास्ट, फास्ट, मूव मोर क्लॉकवाइज, मूव फास्ट, फास्ट, मूव मूव क्लॉकवाइज, फास्ट, क्या मूव बात है, क्या फास्ट, बात है, किस पक्का बना मुस्कुराहट के दिया, साथ, क्या बात है भाई, बहुत पूजा बढ़िया, पूजा सही जी कर को रहे हो पक्का भाई, बना दिया, अब गर्मी तो नहीं लगेगी क्या किसी बात है, को, मूव फास्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अडवाणी बढ़िया, जी गुड, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत अनीता जी बढ़िया। बहुत अच्छा, अमित भाई साहब मूव फास्ट, कैमरा नीचे करो, फर्स्ट क्लास, मूव ग्रेट, फास्ट, प्रियंका जी नहीं चल रहा तो उसको एक बार वापस से थैंक यू रोके स्टॉप करके सर पे लगाओ, थोड़ा बहुत सा बढ़िया, उसका, मूव बहुत, मूव मूव फास्ट, क्लॉकवाइज, मूव मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, मूव फास्ट, मूव मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव क्लॉकवाइज, फास्ट, मूव मूव फास्ट, क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव क्लॉकवाइज, मूव क्या क्लॉकवाइज, बात है, क्या मूव बात है, क्लॉकवाइज। क्या बात है, देखो जिसका अच्छे से घूमेगा उसके घर आके पार्टी ले लूंगा, चाय पी लूंगा, क्या बात है, अब ये गीता जी, सोचो, रातनाथ जी बहुत किसको, बढ़िया, किसने मेरे को चाय पिलानी रविंदर है, जी बहुत बढ़िया, बहुत चाय कौन बढ़िया, पिलाएगा, मैं उसके घर आ जाऊंगा, बहुत बढ़िया, गुड गुड, कंचन जी अच्छा थोड़ा ये सा धागा छोटा कर लो, उंगली पे लपेट लो धागे को, सच में आ अयोध्या जाऊंगा जी भाई, चाय का लालच मत दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, घुमाते रहो, गुड मूव गुड, फास्ट, मूव बहुत फास्ट, बढ़िया जा रहे हो, मूव रितिका फास्ट, घुमाओ, गुड, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मोर बहुत अच्छा कर फास्ट, रहे हो, मूव बहुत अच्छा कर रहे फास्ट, हो, मूव फास्ट, मूव ग्रेट, क्लॉकवाइज, मूव क्लॉकवाइज, मूव, अरे क्या बात है हेमा जी, क्या करके मानोगे आज आप, पूरा पंखा चला दिया इसका आपने, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत सोनिया बढ़िया, जी, बहुत, थैंक यू बोलो, स्टॉप करो, थैंक यू बोलो, स्टॉप करो, पहले बोलो स्टॉप पहले तीन थैंक बार, यू, स्टॉप 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 स्टॉप, रुक स्टॉप जाइए स्टॉप, प्लीज, रुक जाइए, बहुत बढ़िया, थैंक रुक यू, जाइए, आप थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, बोले, थैंक थैंक यू, तीन बार यू बोले, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड अदा करेंगे और सर पे लगाएंगे अपने, थर्ड करो, आई की तरफ ले जाएंगे इसको, दोनों हाथ से पकड़ के और ग्रेटिट्यूड बहुत अदा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आया, हाथ की एक्सरसाइज हो गई, मजा आया, हाँ आया, सर तो हिलाओ, चलो डाउजर को एक बार नीचे रखो, पहले डाउजर को नीचे रखो, गुड 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 दोनों हाथ गुड, कंधे तक ले बहुत जाओ, बढ़िया, अब दोनों हम हाथ, जिस जिसको मजा आया दोनों हाथ कंधे तक ले जाओ अपने, ऐसे आसमान करके, की तरफ देखो, चले ऐसे जी कर, करके और मजा आ सब गया, अनम्यूट करके बोलो मजा आ गया, जिस जिसको आया,
मजा आ गया सर, बहुत ज्यादा हमने गेयर डाला है ना, राइट? यू आर जस्ट कनेक्टेड अभी, विजय भाई ने आपको सिर्फ कनेक्ट कराया है, आप सिर्फ अभी कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है? यू कांट बिलीव दैट। अब ये सोचो कि ये आपकी, आप जब भगवान से आप इतनी सी बात पूछ रहे हो कि ऐसे चला दे तो चल जाता है, अगर भगवान से ये पूछ लोगे कि ये जगह ये चीज कहाँ पड़ी है, ये काम होगा या नहीं होगा, ये चीज मैं करूँ ना करूँ, इसकी एनर्जी कितनी, ये आदमी मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, या ये जॉब मेरे लिए है या नहीं है, या मैं इस लाइफ के अंदर आगे इस तरफ सक्सेस जाना चाह रहा हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसे कितने हजारों सवाल है आपके मन में, कितने सवाल होंगे आपके मन में, हैं हजारों सवाल है जिसके जवाब आज तक नहीं मिले। दिल से देखना, आंख बंद करके सोचो, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके आपको आज तक जवाब नहीं मिले हैं, नहीं मिले और ना ही मिलेंगे, क्योंकि हम उसको ढूंढते हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं। पंडित जी के पास जाओ, 5100 दे दो, वो भी चाहे आधे घंटे में जवाब दे के फ्री कर देता है, फिर 2 दिन बाद फिर याद आता है, फिर एक नया जवाब, नया सवाल, फिर उसके लिए नया जवाब ढूंढो, यही होता है। बिल्कुल, देखो सीखो, मन से सीखो, राइट? ठीक है, सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, ये ऐसे ऐसे जवाब सीखना आपको पड़ेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचा के मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, है ना? और ना आप छोड़ भी नहीं सकोगे, इतना मतलब इसके एडिक्ट हो जाओगे ना, कुछ और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा जबरदस्त टूल है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना आपने। और पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा मालूम है आपको? नहीं नहीं सर, इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा, पहले राहुल भाई से मिलना पड़ेगा। राहुल भाई बोलते हैं कि भैया इसके लिए 3540 रुपये, 3540 अंकों के लिए जमा करो, स्क्रीनशॉट राहुल भाई को भेजो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। ये ऑफर है कल के लिए वैलिड, रात को 9 बजे तक के लिए, ताकि तभी आपके ये ऑफर पे आनंद भी ले पाओ, ठीक है? नहीं तो कल फिर इसका दुगना रेट दोगे या 1.5 गुना दोगे, करोगे सही? ये बात बता देता हूँ, आज करोगे या कल करो, 2 महीने बाद करो, पर करोगे सही? पर आज के ऑफर, आज के आनंद का आनंद लो, 3540 रुपये में पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो 7715930333 पे, अपने कन्वीनियंट टाइम लिख दो, अपना नाम लिख दो कि ये समय में ये बैच ज्वाइन करना है। हाँ, पेमेंट कल ही ठीक है, बिल्कुल एंड डन 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 डन। सो फिर विजय भाई से पूछना कि आगे क्या सिखाओगे। कल की क्लास तक है ना ऑफर, है ना? दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सीखते वक्त सीखो, प्रैक्टिस करो, ये बस सोचो कि गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना? तो लोगों का काम है कहना, अगर यही सोचते रहेंगे तो उनका काम कौन करेगा भैया? हमारा, हमने थोड़ी करना है, उनको जो काम है करने दो ना, सीखो लर्न, ठीक है, साथ में अर्न, सीख जाओगे, प्रोफेशनल करो। देखो मैं आज आपको एक चीज बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे इंडिया में प्रोफेशनल डाउजर्स की बहुत कमी है, 1% भी नहीं होगा डाउजर्स। आप लोगों में से कितने डाउजर, कितने लोगों ने देखा होगा राजस्थान में पानी की ढूंढने के लिए नारियल पे डाउजर की वैल्यू बता देता हूँ, डाउजर कितनी बड़ी ताकत होती है आपको नहीं पता, मैं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो बताता हूँ। एक नॉर्मल आदमी का वेट कितना होगा अडवाणी साहब? अडवाणी जी को, रोशनी जी को अनम्यूट करो, कितना वेट होगा? राधे राधे, एक मैन का 70 के आसपास वेट होगा, अगर उसको एक नारियल के ऊपर बिठा दिया जाए वो घूम जाएगा क्या नारियल? बिल्कुल नहीं। हिल जाएगा क्या अपनी जगह से नारियल? हिलेगा भी नहीं। राइट, नहीं लेगा। जाके गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करना, मतलब नारियल कोकोनट डाउजिंग, आप देखेंगे उस पे बैठा हुआ आदमी पंखे की तरह घूम जाता है, 75 किलो 100 किलो का आदमी, राइट? और वो ऐसा घूमता है कि जैसे आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या गया, डाउजर में वो ताकत है, यानी बंदे को यूं घुमा देता है। ये तो आप अभी डाउजिंग आपके हाथ में बहुत हल्का है, मतलब आपके वजन के बराबर खड़ा था, ये छोड़ो आपके इस क्लास के अंदर तत्सर सर, आपने देखी होगी बॉडी डाउजिंग, देखी है कभी? मैंने ये डाउजिंग नारियल वाली आज से कम से कम 40 साल पहले सिद्ध कर रहा, बिल्कुल हिंदुस्तान में 40 साल छोड़ो 100 साल से पूरा बिल्कुल हो रही है सर। पानी ढूंढने के लिए पहले मैंने खुद इसको किया है, और उसके ऊपर नारियल के ऊपर कुकड़ू बैठते हैं,
और फिर उस पर राइट और लेफ्ट घूम के आंसर देते हैं। और और नारियल अपने कोशिश आप की, चलता है? किसी ने जो है कोशिश की रोकने की, तो ताकत कितनी भी लगा ली रुका नहीं उसे। नहीं रुकेगा सर, नहीं ये रुकेगा मैंने सर, मैंने सिद्ध किया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू तत्सर सर। सो डाउजर की जो पावर है ना, बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग, उससे ज्यादा क्या होगा एक चीज बता देता हूँ, उससे ज्यादा एक ही चीज होगी। सबसे पहली एक चीज होगी, जिस समय आप डाउजर सही तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप रिफाइन हो जाओगे, आपके सातों चक्र बैलेंस होने चालू हो जाएंगे, राइट, और क्लीन थॉट, आपकी क्लीनिंग होनी चालू हो जाएगी। आप ये सोचो कि जैसे जैसे आपके चक्र बैलेंस में आपकी बातें और थॉट प्रोसेस क्लियर होते जाए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हर्डल्स कम होती चली जाती है, राइट, आप लाइफ का कोई भी जवाब, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, वास्तु, किसी प्रकार का जवाब ले सकते हो, राइट विजय भाई? तो यस आज यस यस कल कल बिल्कुल, का आगे ऑफर, चलते हैं थोड़ा सा और। हाँ कल का ऑफर हाँ बनती चल, कल रात तक ही है ध्यान बता देता हूँ, ठीक है चलो, अब जी। दोबारा से एक सर्कल बनाना है, सेम सर्कल दोबारा बनाना है, दोबारा से बनाओ एक सेम सर्कल। क्या बात है, क्लास ही मिल गया, बहुत बढ़िया। जी गुड, चलो विजय भाई, एक काम करो, सबसे पहले ना सामान लिखा दोगे कल क्लास में आए तो कल क्या के क्या लिए हाँ सामान, सामान लिख लो, कल क्या क्या लाना है, क्योंकि पहले कल हम सब जने इससे पेपर पेन से लिख लो, लिख लो सामान को साथ साथ। कल आपने लिख लाना है 2 ग्लास कांच के, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक, ठीक है, पिसी हुई जो हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने घर में जो आपके पास गमले होते हैं उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ले लेना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिट्टी ले लो, ठीक है, 2 बॉटल पानी। दूसरा, आपके पास कोई भी अगर स्टोन पड़ा है, कोई भी स्टोन्स जो आप पहनते हैं, चाहे अंगूठी में है चाहे वैसे स्टोन पड़ा है, वो स्टोन्स लेके आना, 1 2 3 जो भी आपके पास है, अगर पहनते हो तो वही, ठीक है, कोई भी सिल्वर या गोल्ड, छोटा छोटा कुछ हो, चेन हो, अंगूठी हो, कुछ भी, मैं नहीं लूंगा, चिंता मत करें, ठीक मैं ले लूंगा ना। है, ये हो गया। और क्या रह गया, पेपर्स 4 से 5 पेपर वाइट, ठीक है। दूसरा, कोशिश करना कि कल आप लोग रेड कलर को ना पहनकर आए, अपर में अगर रेड कलर, ब्लैक और ब्लू को थोड़ा अवॉइड करेंगे कल, कल कोशिश कल करना के लिए कि ठीक, कल के लिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, पहन आना, पर कोशिश करना कल के लिए अवॉइड करना। कल सॉल्यूशन भी मिलेंगे कई चीजों के। दूसरा एक निवेदन और करूंगा, 5-10 रुपए का एक 5 मुखी रुद्राक्ष आता है, वो ले लो अगर मिल जाए तो। वो अगर मिल जाए तो कृपया करके ले आना, आपकी पूजा वाली जो घर के पास सबसे पास दुकान हो, अगर 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाए तो कृपया करके वो लेना, एक मौली का धागा ले लेना, उसका ड्राउजर बना ही लेना उसी समय। क्योंकि कल हम बहुत एडवांस चीज में जाने वाले हैं, उससे ऊपर, और आज जो कराऊंगा, जितना कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस कर लेना कल थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि कल हम आगे बढ़ेंगे इससे। लिख लिया सब कुछ, ओके, राइट, आगे चले। अब लिख आप लोग लिया, एक इसमें आदमी जैसे ये, सर्कल एक बनाया आदमी ये था, चैट में डाल दे मुझे, जी जिसने भी लिखा है वो, एक आदमी प्लीज चैट में सारा सामान लिख के दे दे मुझे। जी रोशनी जी बताएं। हेलो रोशनी रोशनी में अनम्यूट कर लो। जी, सर आपने कलर कौन कौन सा बोला? एक तो आपने रेड बोला कलर नहीं पहनना, एक ब्लू बोला, एक और बोला था आपने, ब्लैक, बाबा बाबा ब्लैक शीप, ओके, रेड ब्लू एंड ब्लैक नहीं पहनना है, ओके हाँ सर, नहीं प्रभु नहीं पहनना। सर आपकी क्लास के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, 19 मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे एक क्लास एनीहाउ अटेंड करनी है, मोस्ट वेलकम है, मोस्ट ठीक है, वेलकम, राहुल भाई इनसे पैसे ज्यादा लो, चलो पर मैं वो भी दे दूंगी, ठीक मैं 7,000 अरे देने को तैयार हूँ। अरे नहीं, आप आइए आइए, प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम, रोशनी जाइए प्लीज। जी जायसवाल जी, सर राधे राधे सर, सर मैंने चाबी का बना लिया है, चाबी को क्या करना होता है? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, बताता हूँ डिस्कनेक्ट क्या करा करना है, देंगे। डिस्कनेक्ट करा दूंगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत लो। चलिए एक सेकंड भेजिए, एक हाँ हाँ सेकंड भेजिए प्लीज जी, तो प्लीज, जी को और मैं फटाफट से बोल दीजिए।
सर मैं कनाडा में हूँ, रुद्राक्ष तो मिल नहीं सकता, लेकिन स्टोन्स हाँ मेरे हाँ पास, मैंने बोला ना इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल हो तो ले आओ, नहीं तो कोई बात नहीं धर्मदीप जी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लूँ सर, कुछ आइडिया दे दो। बाकी आज जो तो रिंग सामान, डाली थी मैंने। जो सामान बोला वो ले आओ, आज रिंग डालिए, कल इस रिंग को ही दोबारा बना लेना, नहीं तो कोई की ले लो, की छोटी की मिल जाए उसको बांध ठीक है लेना वो तो है मेरे पास। बस। ठीक है ठीक है, ओके थैंक धन्यवाद, यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। विजय भाई प्लीज कर लीजिए। विजय भाई अब क्या करना है, हमने हमने सर्कल बनाया था अभी, और उस पे लेफ्ट से राइट को हमने क्या किया था, एक एरो बनाया था। अब इसी एरो को हमने ऑपोजिट कर देना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ उसकी मूवमेंट होगी एरो की, ठीक है। गाना याद आ गया इस पे, पुराना सुनाओ, सुना दो। दूं? ठीक बना रहे हो, बिल्कुल चल चल रहे नौजवान, रुकना तेरी शान नहीं, बढ़ना तेरा काम। ठीक है तो बढ़ते चलो। मेरे को तो लगा मेरे सर अभी बोलो मैं इधर चला कभी उधर चला। ये डाउजर का वाला गाना, मैं इधर चला मैं उधर चला। जी डन। अब उस पर टच करेंगे, हमेशा मैंने जो बोला है, थर्ड आई थ्रॉट हार्ट, और अपने गॉड गुरु गाइडेंस को याद करके इस पॉइंट पे लगाएंगे जो मिडल में पॉइंट डाला था, और उससे 2 इंच ऊपर करीब उठाएंगे और बोलेंगे मूव लेफ्ट मूव लेफ्ट मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज बोलो, लेफ्ट नहीं, मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव फास्ट मूव फास्ट मूव फास्ट मूव फास्ट मूव एंटी क्लॉकवाइज मूव एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आप करें, बोलें मूव, उठाओ थोड़ा ऊपर उठाओ भाई, मूव 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 फास्ट फास्ट मूव फास्ट मूव 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 मूव। आधे लोग तो ये कहते हैं कि मैं चलाता हूं। मूव एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, गुड, बहुत सही कर रहे हो। बोलो मूव फास्ट, बोलो कमांड दिया करो उसे, जो नाम रखा है नाम रख के कमांड दिया करो, कमांड कमांड दिया करो, नाम रख के, नाम रखवाया ना इसीलिए मैंने, नाम रखने से एक वेटेज बढ़ती है, एक हक बढ़ता है। नीचे रख के करो शोभा जी, नीचे रख लो पेपर को, नीचे रख के करो टेबल पे, कोई दिक्कत नहीं है, हाथ पे मत लो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब पता है डाउजर क्या कह रहा है इस सिचुएशन पे, है क्या कह रहा है डाउजर आप लोगों से, आप डाउजर से, डाउजर आपको, आपको डाउजर क्या कह रहा है। अच्छा चल रहा है इस टाइम, बढ़िया चल रहा है ना, मूवमेंट हो रही है, गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डाउजर कह रहा है तू तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, है ना बात सुन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का गवाह। है ना, तो ये चीज है देखो, कि आप और ये एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हो, वेटेज बढ़ती है। मैंने क्या बोला था, अगर किसी को हम बोलते हैं पल्लवी, कुछ पूछना था पल्लवी, ऐसे ऐसे करके पूछना है, ऐसे करके पूछना है, अच्छा ठीक है बोलो। पल्लवी आवाज नहीं आ रही आपको, मतलब मुझे नहीं आ रही, सॉरी। जी विजय भैया हाँ जी हाँ जी मेरा ये मूव चल था रहा ना, है सर। जो मेरा हाँ भी हाँ ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया और अचानक से फिर बीच में रुक गए। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, वो एनर्जीज का खेल है सारा, वो जितनी मूवमेंट लेनी है जितने टाइम के लेने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्रैक्टिस करो हो जाएगा। पहली बार मेरा मूव लेकिन राइट नहीं मूव कर रहा तो कुछ नहीं हुआ, अभी एंटी क्लॉकवाइज लेकिन मूव कर गया। क्या बात है, अपने आप को सरेंडर करो पल्लवी,
देखो किसी भी चीज को, जी बोलो राहुल भाई मन में से विचार नहीं जा रहे हैं, जी, मन में से विचार नहीं जा रहे पल्लवी जी के। यही यही है। देखो मन सर में विचार रखोगे कुछ भी, मैं मानता हूं विचारों को खत्म करना इजी प्रोसेस नहीं है, पर थोड़ी सी कोशिश करो, सारा कंसंट्रेशन इस पे डालो, ठीक है? और श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तू राधे मैं मुझे राधे, तन राधे मन राधे, बोलो करो। मैंने ना आपको एक पर्सनल मैसेज किया है, वो आप लाइक मैं सबके सामने नहीं बोलना चाहती, तो वो बस पढ़ के आप एक बार मुझे यस या नो में जवाब दे दीजिए क्या प्लीज। मैसेज किया है पर्सनल, हाँ वो चैट में। भाई देखना राहुल भाई पल्लवी जी का मैसेज आया है क्या। मैं देख के, मैडम आप मुझे कर दो, आई फॉरवर्ड टू यू। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए राहुल जी को, कोई इशू वाली बात नहीं। चलिए सर, जी चलो चलो आगे अब चलते हैं, यहाँ बहुत तक इसका बढ़िया। एंटी क्लॉकवाइज इसका नहीं चलाओ तो पूछ लो सर, कोई कहता ऐसा हो हाँ बेचारा भाई बच्चा, है कोई ऐसा जिसका एंटी क्लॉकवाइज ना चलाओ, क्लॉकवाइज चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज ना वो हैंड चलाओ। रेस कर लो। हाँ जी गीता जी, सर नहीं नहीं चला सर, आड़ा आड़ो ऐसे लंबा लंबा गया, फिर पूरा क्लॉकवाइज राइट ही गया। कलेक्टेड, आप एक जो आपका ऐसे आड़ा जा रहा था वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था राइट की तरफ जा रहा था, को ही जा रहा था वो, लेफ्ट को जा रहा था ना, तो इट मींस वो एंटी क्लॉकवाइज ही आपका, को ही जा ठीक रहा है? था, अगर आपका लेफ्ट में नहीं सिर्फ ऐसे ऐसे जा रहा था ना हल्का भी, तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही है वो। गया सर पूरा, फिर पहले थोड़ा लंबा राइट में ही गया, फिर क्लॉकवाइज ही गया, अच्छा पहले जैसे गया था वैसे ही आप गया। उसको बोलो एक बार वॉश करो, वॉश करना जरूरी होता है कई बार, एनर्जी इंटरफेयर करती है, तो वॉश करके फिर दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब राइट हुआ तो लेफ्ट भी होगा, टेंशन मत लो, क्योंकि देखो टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, जी ठीक सर है? राधे बस राधे सर, राधे राधे। सपना जी कैसी हैं श्री राधे? हम अच्छे हैं, आप भी, आपको नमस्कार बहुत बहुत। मैं बहुत लेट आई क्लास में, मुझे पता नहीं डाउजिंग क्या होता है, पर मेरी बेटी जो डॉक्टर है उसका एक हाँ ये लिया मैंने, उसमें बैंगल को बांधा तो बड़ा अच्छा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम रहा था, क्या इसका बात है मतलब क्या सपना, सर? यस और नो होता है इसका मतलब, कल ओके क्लास में आओगे ना, इसका मतलब कोई कल भी वापस आंसर आओगे तो कल मेरा, सिखाएंगे, कल आप आना, कल और बेटर आपको चीजें पता चल जाएगी सारी, टेंशन मत लो, आप पर लेट आए हो ना, ये मैंने सही कोई किया है। बात नहीं, राधे ठीक है ठीक है राधे गुरु जी, मेरा बहुत राधे बढ़िया राधे। दोनों चीजों में है, दोनों अच्छा एंटी और क्लास दोनों बहुत बढ़िया हुए हैं। क्या बात है मैडम, फिर अब लड्डू सटे लड्डू आओ किसे मसूरी, भी मसूरी आ जाओ, मसूरी आना पड़ेगा, ये लो, राहुल भाई बोरिया बिस्तर बांधो, क्लास वहीं से करेंगे, जी बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल वासुप, ओके बिल्कुल बिल्कुल, आओ आओ, वेलकम। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम। चलो भाई एक सर जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे, शर्मा जी जी सर, मेरा वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा था, मैं अभी साल्ट वाटर से वॉश करके आया हूँ अभी, ठीक ग्रेट, है? चलो अभी देखता बढ़िया, हूँ। डन डन अब ओके एक चीज और सिखा रहा हूँ, सीख लो फटाफट से, ठीक है? एक पेपर लेना है, पेपर पे एक नीचे लाइन खींचनी, मैं देख बता रहा हूँ वैसे ही करना, अभी रुको। ऐसा बनाना है, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मैं दिख रहा हूं, आई एम विजिबल, जी 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 भाई, ठीक है? आपको ऐसा बनाना है, आपको मेथड सिखा रहा हूं कि यस और नो के कई प्रकार हो सकते हैं। यस आपका राउंड में भी घूम के बता सकता है क्लॉकवाइज, नो आपका एंटी क्लॉकवाइज ही घूम के बता सकता है। अब ये टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, ठीक है तरुणा जी, समझ आ रहा है? अब आ तो रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, पर गर्दन तो हिलाई, ठीक है? चलिए ऐसा बना ले आप फटाफट से, बना लो तो ओके दिखा देना, हम सब दिखा देना, जिस जिस बना लेते हैं। ये देखो जी समझ गए, आपके राइट में यस होगा, आपके लेफ्ट में नो होगा, ध्यान रखना, ठीक है अरमित?
आपके राइट में यस, आपके लेफ्ट में नो, जो इस पे लिखा हुआ है। डन भाई, डन विजय भैया। ओके चलो, अब इसको नीचे रखेंगे अपने सामने। रखने के बाद फिर दोबारा से वही सेम टेक्निक क्या है सीख लो, समझ लो। थर्ड आई, थ्रॉट, हार्ट चक्रा, उसके बाद ये चीज अब समझना। इसका जो ये पॉइंट है वी का, ये समझ लो, विजय वी बना रखा है, विजय है ना। इसके नीचे यहां पे टच करना है इसको, अब इस पॉइंट पे टच करना है जब वी बन रहा है नीचे से, इस पे टच करके 2 इंच ऊपर उठाना है और फिर पूछना है मूव राइट। देखो आप मूवमेंट क्या देता है। मूव राइट, मूवमेंट हुई राइट की तरफ, ऐसे राइट में गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है देशपांडे साहब, पूरा हिला दिया आपने घर, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सब लोग अच्छा कर रहे हो, गुड। देवेंद्र, लक्ष्मण जी, मोम्पी, करुणा, पल्लवी, बहुत बढ़िया, देवेंद्र, गीता जी, शालू जी, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छा कर रहे हो, शैनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वर्मा साहब कहाँ हो गया, कर रहे हो, बहुत बढ़िया, साई, रुपेश भाई देख रहे हो, कर रहे हो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ऊपर उठा लो प्रियंका, हल्का सा, प्रियंका बारिक, हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, बहुत बढ़िया तनुजा, थैंक यू बोलो, स्टॉप बोलो, थैंक यू करने के बाद स्टॉप बोलेंगे इसे, ठीक है, डन डन, ठीक है सपना, ओके डन। अब दोबारा से सबका हो गया, राइट गया, ये मूवमेंट भी अगर करता है तो यस है, क्लॉक वाइज घूमता है तो यस है, आपके क्वेश्चन का आंसर वो मूवमेंट राइट भी करके यस दे सकता है, क्लॉक वाइज भी करके दे सकता है, ओके। अब दोबारा से थैंक यू बोलेंगे, दोबारा से उसी पॉइंट पे टच करेंगे, 2 इंच ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे मूव लेफ्ट, अब लेफ्ट घुमाओ इसको, मूव लेफ्ट, आज आप बेसिक सारे क्लियर कर लोगे, कल हम और एडवांस में जाने वाले हैं, सामान मंगवाया ना आप लोगों से, तो बहुत कुछ करने वाले हो आप, बहुत बढ़िया। करुणा थोड़ा लंबा करो इसको, हाथ को लंबा नहीं करो, उसको लंबा करो थोड़ा, धागे को हाँ नीचे करो थोड़ा, और थोड़ा उसको दो ना, मूवमेंट के लिए जगह दो ना, धागा नीचे लंबा करो, आपको नहीं सपना, आप थोड़ा कम करो, आप कम करो, आप बढ़ाओ इसको, तरुणा धागे को बढ़ाओ, और करा क्या हुआ है आपने तरुणा, इतना छोटा सा क्यों, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती भाई, ठीक है आपके घर आऊंगा, एक कप चाय कम पिला देना, पर यहां तो कर लो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, गुड, जबरदस्त। अनीता जी हुआ राइट, गुड, बहुत बढ़िया। जितेंद्र, बहुत बढ़िया। झा साहब चल रहा है, पल्लवी झा, जसवीर जी, शमिष्ठा, बिंदिया जी, ओके थम्स अप, बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रभु, शिप्रा, हाँ जी विनीत जी, चला आरती पटेल जी,
चल तो रहा है, कुछ अलग फील हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी अभी 5 मिनट सही करते हैं आपको भी, आपकी फीलिंग को भी। हाँ जी शर्मा साहब, ऋतु चला बहुत बढ़िया। कोई यार सारे थम्सअप भी दिखा रहे हो, पेप्सी नहीं दिखाता कोई। चलो बहुत बढ़िया, सही है सही है, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, व्यस्त रहा करो, चलो, बस। ब्राउजर चलाने का, एक ब्राउजर चलाने का बहुत अच्छा तरीका होता था, जिसका भी नहीं चला है, जिसका चल गया उसके लिए भी, और जिसका ब्राउजर और अच्छा चलाना है, मुझे भी चलवाना है सबका, चलवा चलवाओ चलवाओ चलवाओ, और अच्छा चलाना है भाई। दो हाँ और अच्छा। हाँ ना तो बोले, हाँ बस बोलो सरी भाई, और अच्छा चलाना सरी है। लगे और थोड़ा उस अच्छा, हमें दोनों हाथों को घसना चालू करो। ऐसे करो मूवमेंट, हाथों को मूवमेंट, घर्षण करो आपस में एक बार। तो बिल्कुल एनर्जी डाउन हो गई बच्चों की, जोर हाँ जोर से अरे हाँ घसो और दोनों हाथ अपने मुंह पे लगाओ, सर पे लगाओ, और यूनिवर्स का थैंक यू बोलो पहले तो। थैंक यू आधे से ज्यादा यूनिवर्स। लोग कह रहे होंगे यार हम फंस कहाँ गए, हाँ आज फंस गए हमारे साथ, राइट है ना, ऐसी है ना, सच्ची फंस गए मेरे साथ राइट। आज। अब अपने ना एक जोरदार, सबको ना जोरदार हंस दो, जब तक हंसोगे नहीं तब एक तक मूवी बार आएगी हंसो नहीं। और क्लैपिंग क्लैपिंग अपने आप ही तालियां बजाओ और क्लैपिंग हंसना। चलो ठीक है, अभी रामलीला में टाइम है। सो वापिस आपका ओला ऑटोमेट, ये होता क्या है, ये छोटा सा एक जो अपन ने एक्टिविटी करी, ये रियल एक्टिविटी है। जब कभी भी आपको लगता है कि आपका ऑरा वीक हो गया हो, अपने हाथों को जोर जोर से घसना शुरू कर दो, सर पे लगाओ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और ताली बजा के एक बार जोर से, हर एक दो बार जोर से हंस दो, यू बिलीव नॉट, आपका ऑरा अपने आप बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएंगे, आपकी परेशानियां बदल जाए। कभी भी किसी सिचुएशन फंस जाओ, इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना, राइट। सो विजय भाई, यस और नो, ये पूछ लेते सर, इन सबका नाम ओरिजिनल है नहीं, देखो उसे पूछो कि आप सबका नाम राहुल अब है, एक चीज और, पूछ लो अब एक उनके। काम करो, आप सब पूछो इससे। अब आपको प्रैक्टिस मैंने यस और नो ही कराई है, आप पूछो जैसे तरनदीप, आप इससे ये पूछो। आप सब लोग, मैं सिर्फ एक तरनदीप को एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। तरनदीप आप इससे पूछो, उसी पॉइंट पे रख के जो वी वाला बनाया है उस पे पॉइंट पे ऊपर रख के पूछो, क्या मेरा नाम विजय है। मतलब एंटी नाम कुछ, जो नाम नहीं है, जो फैमिली में भी नाम नहीं, अपना निकनेम नहीं लेना, पूछो एक बार क्या कहता है, पूरे विश्वास के साथ देखो। पूरा पूछा विश्वास से, पूरे दिल से पूछना, हक से पूछना, जो प्रोसेस बता उससे पूछना कि क्या मेरा नाम विजय है। खाली पूछो एक विजय वाला भाई विजय जोड़, जी, विजय शर्मा जी, आप मत पूछना, आपको तो हाँ कर देगा ये। हाँ विजय श्री, विजय शर्मा जी, क्या मेरा नाम विजय है, प्लीज क्लियर जवाब दें। अरे बता देगा, सही बताए, बोले हाँ आपका नाम विजय है या नहीं है। अरे अच्छा अब अपना इससे रियल नाम पूछ लो फिर, क्या ये मेरा नाम है, शोभा है, रमनजीत है, कुमार है, विभूति। विभूति जी आपके नाम से मुझे ना भाभी जी घर पे सीरियल याद आ जाता हाँ है ना। कोई बात नहीं सलोनी जी, कल फिर आप आना, हमारी क्लास अभी 3 दिन है, आज तो अब एंडिंग पे ही है, तो कल आपको फिर आना है। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, 2 मिनट की एक मेडिटेशन, और आपका जो जिस चीज का बनाया हुआ है उससे आपको डिसकनेक्शन कराना है मुझे। किस किस को सही आंसर नहीं मिला वो हैंड रेस कर दें कृपया करके। हाँ जी विभूति भाई, क्या जवाब दिया इसने, आपका नाम विजय है। चमत्कार सर चमत्कार है, सर चमत्कार तो बाद में देख लेंगे, नाम है। बताया नहीं बताया, बताया सर, दोनों चीज बताया सर, दोनों सही है। दोनों सही बताया। अरे मैंने सुन तो लो, मैंने पूछा जिसका नहीं चला वो हैंड रेस करेगा, नहीं नहीं सर, थैंक राइट। थैंक यू, थैंक यू यू विभूति। सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, अभी तो गॉड कल ब्लेस यू देखो, कल चमत्कार तो कल बता लेंगे। बोलो सर। बोलो मैडम। सर मेरा नहीं चला, जो दूसरी बार नेम वाला पूछा ना, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल एक ही जगह पर रुके रहे, बिल्कुल कोई जवाब नहीं। आप इसको वॉश कर ले, मैंने बोला है ना कई बार हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं ना, तो कई एनर्जीज हैवी होती हैं,
एक बार वॉश करके दोबारा पूछ लो अंशु, कोई दिक्कत नहीं है, बताएगा, बिल्कुल बताएगा। बस वी वाले में ही नहीं घुमा, बाकी सब में चल रहा था, बट वी वी वाले में नहीं चला। वी वाले में चलेगा, नहीं वॉश चला, कर लो मैडम, आसपास की चलेगा, एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक दीपाली है, जी वॉश बोल कर लो, दो। वॉश कर लो। ओके, थैंक यू सर। राधे राधे सर, श्री नमस्ते राधे, श्री सर। राधे दीपाली सर जी, मेरा भी वी पे यस नो पे नहीं आया, मतलब वॉश वहीं करो, पर जस्ट वॉश ऐसे करो, छोटे वॉश छोटे करके, बोल वॉश रहे। करके करो, वॉश करके करो सर। रनिंग वाटर, ओके और कल सर, प्रैक्टिस करनी है, जितना कुछ यस गिरा है सर, करेगा, ये 100% करेगा। यस सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, जी दुबे गॉड ब्लेस। जी, अलका दुबे जी अनम्यूट कर लो मैडम। सर राधे राधे। राधे जय राधे श्री दुबे राधे साहब, क्या हालचाल? सर, मैं ठीक हूँ। मैं भी दुबे, आप भी दुबे, बताओ हुक्म करो। राधे राधे, राधे सर, मैं अभी आपकी क्लास के, मेरे और भी ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं, जैसे जी कि हेमा है, पूजा है, अच्छा तो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी आपकी क्लास की। मैं हॉस्पिटल में थी, तो जी मैं आई घर पे, फिर मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो सबने कहा कि एक काम करो, क्लास ले ज्वाइन कर लो तो मूड अच्छा हो जाएगा। पर वही अच्छा बताया था कि आपने बोला था, क्या बोला इसमें मेरे को नहीं मालूम, वो कि हाँ मुझे नहीं पता था कि ये मतलब ये होती है पेंडुलम वाली, तो मैंने सोचा जी कि और होगा। फिर उन्होंने बताया कि पेंडुलम चल रहा है, तुम्हारी बहुत इच्छा है और ये कर लो। अभी तो 2 दिन पहले बोला ही था कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी, तो मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम छोड़ के मैंने ज्वाइन कर ली। और मेरी प्रॉब्लम जो है ना इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती, जो मैं बताऊं कल बताऊंगी, फिर भगवान ठीक है, चाहेगा तो अच्छा डन करेगा डन सब कुछ। डन, सब अच्छा हाँ होगा, सब चिंता अच्छा मत होगा करो। भाई, राधे राधे ऊपर राधे ऊपर राधे मैं राधे बहुत राधे, टेंशन टेंशन में आई थी, मैं बहुत टेंशन में हूँ इस टाइम, मतलब मैं बता नहीं सकती। और थैंक यू है, माँ ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और मैडम आज अभी अभी मैं बैठो, अभी हीलिंग करेंगे सर, देखो बैठो, उसको अभी हील नीचे। करते हैं आपको, सर सबको हील कर मैंने ये दूँ, रुद्राक्ष की माला है मेरी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई तो बात नहीं, इससे मैंने 1,25,000 का जाप भी किया है महामृत्युंजय का, तो मैंने फटाक से यही ले ली, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आया जल्दी से, तो तो ये चल तो रही थी। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वास्तु वो है मैडम, राउजर पूरा तो सर ब्रह्मांड इतने कहला मतलब दिया। मुझे सारे मतलब आंसर बहुत अच्छे दिए। जब ये मैंने बोला ब्रह्मांड, कि मैं विजय, ये विजय पूरे मेरा नाम है, तो उसने कहा नो, और जब मैंने कहा क्या रियल में मेरा नाम अलका है, तो पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सर, शुक्र थैंक है आपने ये नहीं पूछा विजय दुबे मेरा नाम है। यू। हाँ जी, मैंने पूछा था तो नो आया, मैंने खुद पूछा। कोई मुझे मालूम नहीं था सर, बात मैंने नहीं, अकेले क्लास चलो ज्वाइन कल किया। कल आपको सामान लेके आना, जो विजय भाई बताएंगे, अभी आनंद आएगा कल। जी ठीक है तरुणा सर, जी, थैंक यू थैंक यू पूछा थैंक था यू। दे रहे राधे राधे जी, अरे सर, पूछ रहे थे मैं किस चीज का बना रखा है, मैंने अपने मंगलसूत्र का बना रखा है, ये सब। पति देवी घुमा दिया आपने। राहुल जी, हाँ राधे जी प्रभु, राधे, राधे राधे, राधे राधे राधे, विजय जी राधे जी, राधे सर, राधे 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 सर, जी, ये राधे फिर राधे। बोलना है, इतनी अच्छी क्लास देते हैं, क्या है मैंने आप। जब पूछा कि अपना विजय जी, तो जब 9 में जा रहा था, तो जब मैंने अपना रियल नाम बताया नवीन, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमने शुरू हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सर, थैंक यू, मैंने गॉड ब्लेस सर। एक्चुअली हैंड रेज उनके करवाए थे जिनका नहीं चला, तो नहीं चल रहा, इसी बहाने राधे आपसे राधे, आपसे बात होगी। अरे हम तो सर, यही है विजय प्रभु, से, बात हम तो यही है दादा, हम कहाँ जा रहे हैं। अरे थैंक यू, मेरी खुशकिस्मती है आप लोगों से बात हो रही है, इससे बड़ी बात की है। चलो थैंक यू एक सर, थैंक यू। विजय गुरु जी, मेरा जी तो क्वेश्चन जी बोल दो। राधे राहुल राधे जी, सर, अगर मेरा वो व्हाट्सएप देख रहे ना प्लीज, क्लॉक जरा वाइज मैं और एंटी क्लॉक वाइज तो चल रहा था, जी पर लाइन और यस और नो पर बिल्कुल स्टेबल रहा, कोई दिक्कत और नहीं, उसी इसका तरह मतलब नेम है, नेम हाँ नेम पर इसका, भी स्टेबल ही रहा। इसको एक बार वॉश कर लें आप भाई, ठीक है, कोई जी, दिक्कत नहीं, चलेगा। प्रैक्टिस करनी है कल का, कल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, सब चलेगा, कोई टेंशन वाली बात। गुरु जी, जी गुरु जी, राधे राधे सर जी, अनम्यूट किया था मित्र जी को। जी पटेल साहब करो, अनम्यूट करो। राधे राधे सर जी, मैंने 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्ट लिखे थे, आई एम सॉरी टू टेक दैट टाइम। एक तो आपने पहले पितरों को बोला कि पितरों का आह्वान कीजिए, वो हवन मुझे नहीं समझ मैडम, में, हवन ही नहीं करना, कौन सा हवन करा दिया मैंने, आवान आवान आवाहन कॉल देम या नहीं। यस पितरों को बुलाइए, एंजल्स को बुलाइए, सर पितरों को क्यों डिस्टर्ब करना है, हम तो बोलते पितरों दोष अगर कुछ है तो पूजा करो और करो, बस दूरी अरे रहो, मैडम वहां से पितृ दोष ब्लेसिंग की लेते बात रहो। नहीं, अमृता जी आप बात ही नहीं समझते ना, फिर क्या करो। नैनीता मैम, ऐसा नहीं है, पितरों का आह्वान मतलब पितर तो आप, आपके घर में आपने फोटो लगा रखी है अपने पितरों की, जी क्यों प्रणाम लगा करते हो, रखी, प्रणाम करते हो रोज उनको।
हाँ दिया बत्ती रोज होता है, तो फिर तब आह्वान नहीं हो रहा उनका, तो ब्लेसिंग के वो लिए आह्वान करते हो नहीं ना कर रहे आप उनको, उनको, इसलिए उनका बुला रहे प्रेयर्स दे कि दे डिपार्टेड सोल, उनको उनको प्रेयर्स करते हैं भाई जहां भी नहीं, हो उनको खुश ना क्यों हो। बुलाया जाए, मैं समझ लो, एंजल्स पितरों को आपकी ब्लेस आपकी रक्षा के लिए ही बुलाया जाता ओके है, राइट। ओके ऐसा नहीं समझा। कि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब देम, कि हमने उनको आके यहाँ बसाने, आप प्रे करते हो ना जब भगवान की, तो भी बता देता हूँ, हम सब भगवानों को उस समय जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, पूजा करते हैं, तब उनको बुलाते हैं, आते हैं, आशीर्वाद हवन होता है ना, तब क्या बोलते हैं, अपने अपने स्थान यहाँ पे आके आशीर्वाद दो, अपने अपने स्थान पे जाके वापस लौट जाओ, बोलते हो ना। हाँ तो जब आप प्रार्थना करते हो या आह्वान करते हो इन चीजों के लिए, कि रक्षा के लिए, ब्लेसिंग के लिए, तो ब्लेसिंग देते हैं, और ब्लेसिंग देके अपने स्थान पे फिर वो वापस चले लौट जाते हैं। जाते हैं। राइट, थैंक यू फॉर दिस क्लैरिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब आपने बोला कल की जो चीजें मंगवाई हैं कोई टाइप करो, तो आई वाज टाइपिंग इट, तो मेरे को लगता है सेकंड पिक्चर जो सर ने बताया, एक फर्स्ट वाला था डॉट एंड एरो वाला, तो सेकंड वाला क्या कैसा वाला पिक्चर है वो नहीं पता, मिस हो गया बिकॉज आई वाज टाइपिंग। उल्टा एरो था वो, लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो बनाना है आप राउंड पे। ओके, उन राउंड के ऊपर। हाँ हाँ जी लेफ्ट एरो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा था ना पहला, जी लेफ्ट टू राइट था, दूसरा जी लेफ्ट टू राइट, राइट एंड राइट टू सॉरी, लेफ्ट, सॉरी तीसरा था मेरी एक फ्रेंड है 16 अक्टूबर 2022 से, सॉरी। हाँ कोई हाँ बात बोलो नहीं, बोलो मैंने एक और आपका बोलो, आंसर बोलो 16 अक्टूबर 2022 22 से गुम हो चुकी है, नहीं मिल रही। उसकी कजिन मेरे साथ कांटेक्ट में थी, तब मैं यहाँ नहीं थी, सिडनी में थी। हमने पूरी कोशिश करी सब पता लगाने की, लेकिन आज आपने ये बोला ना, ये वी वाले पे मैंने वो जवाब पूछा, गलती कर दी पता मैडम, नहीं बहुत क्या बड़ी। हुआ कि आप एक जिंदा एक है, एक जिंदा आपने है क्यों तो पूछा, जवाब मिला। नहीं हाँ क्योंकि मैडम, सबको एक एक फिक्र है, सबको फिक्र सुनो, है एक कि सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड पटेल साहब, एक सेकंड, मैं सबको बताता हूँ, इनके चक्कर में सबको बता देता हूँ, डोंट गो फास्ट, राइट। आप अगर वो समझ लो, अगर वो एनर्जी नहीं होती तो वो एनर्जी आपके पास आके खड़ी हो जाती, तो आप संभाल लेते क्या? अच्छा पटेल किसने बोला आपको ये चमत्कार दिखाने के लिए? अपना साहब अपना इतना दिमाग दिमाग मत मत चलाओ चलाया मैडम, करो, क्लास में जब अच्छा तक नहीं अपना होता। प्रोटेक्शन में नहीं हो, अभी आप विजय दुबे के सानिध्य में बैठे हो, राइट राइट। कल आप उठ के ये चमत्कार मत करने बैठ जाना, राइट, इसीलिए मैं पूछ रही थी सर, क्योंकि पितरों के नाम मतलब पे घबरा रहे हो और मैं, ऐसी हाँ ऐसे पंगे ले रहे हो ना, कोई क्योंकि मैं किसी एक तो प्रकार से अलाउ लेट नहीं कर ज्वाइन रहा हुई मैं। थी, मुझे वार्निंग्स या अलर्ट्स कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, जितना सिखा रहा उतना सीखो ना। हाँ सर मैं ज्वाइन हुई वही सीख रहे, पर इसीलिए मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने जब कहा ना कि गुम हो गया, तो ये तुरंत मेरे उस वक्त दिमाग में आया, तो शायद वही बैक ऑफ द माइंड सर 2 साल से चल रहा है। आप मत चलाओ सोचो ना, रोज मत मैं चलाओ, उसे याद जब इसको करती हूँ। सीखेंगे ना आपको मैडम, लगता जब है तो करेंगे कंसल्ट कंसल्ट कर लो, कर लो आप, पर इसको ऐसे मत करो, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती रात बिरात तो फिर क्या होता। राइट अभी आप तो यही राइट कहते हैं मैं तो सर की क्लास ज्वाइन की थी, अपनी गलती नहीं बोलते आप, अब एक दिमाग ज्यादा काम चलता है ना, क्या करो, करें। एक सॉल्ट वो अपने पास, एक साफ सॉल्ट की कटोरी में रखो, एक पानी की बोतल रख लो, भी विजय भाई अभी हीलिंग करेंगे, क्लीन करेंगे। राइट और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा येस एंड नो का, तो मैंने ये पूछा था मिसेस पटेल, तो उसमें येस पक्का आया, नॉट मोनिटा पटेल बट मिसेस पटेल। आंसर आप अपना नाम आएंगे पूरा ठीक पूछो है, हमेशा, मिसेस बताएगा। पटेल तो, पटेल तो बहुत सारी होंगी मिसेस, तो अपना नाम पूछो ना, मैं मुनीत पटेल हूं या नहीं हूं, मिसेस मुनीत, मुनीता पटेल, मिसेस पटेल तो बहुत सारी होंगी, आप पटेल में एक ही थोड़ी है। करेक्ट, तो ये क्लेरिफिकेशंस हैं जो आप मुझे जवाब दे रहे क्लासेस हैं, जो समझ क्लासेस में आ रहा है। थैंक क्लासेस, यू वेरी मच, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, नहीं एंड प्लीज टुमारो, फील टुमारो वंस अगेन मैं सबको बोल देता हूँ, कृपया या करके एनर्जीज के साथ मत उलझो, ठीक है? उसके लिए क्लास आएगी जब सीखेंगे, जितना बेसिक सिखा रहा हूँ बेसिक को समझो, एडवांस को एडवांस लेवल पे रहने दो, प्रोफेशनल को प्रोफेशनल, राइट। राइट इसमें स्प्रिट एनर्जीज तक भी दिखती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम इसको आराम से सीखेंगे, राइट। डोंट गो राइट बियॉन्ड, जब तक नहीं बताया जाए ना मत करो पंगे आप, प्लीज इस थैंक रिक्वेस्ट, यू, सबके लिए, सबके लिए, मुनीता के लिए नहीं है, सबके लिए बोल रहा हूँ सबसे रिक्वेस्ट कि है। ठीक है आज टिकट लेके बिठाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पायलट की सीट पे बैठ जाओ, पायलट को हटाओ, आ जाओ अभी साइड हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता है। जी शर्मा जी, सर गॉड ब्लेस यू, कोई बात राधे नहीं, कोई बात राधे नहीं, चलता है ये, चलता है। जी, ओके टेक केयर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। राहुल जी, चलिए राधे 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 श्री राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे दीपक भाई। राधे। सर जी मैंने दोनों तरफ से किया मूव राइट, मैंने फास्ट बोला तो मेरा फास्ट होने लग गया, उसको जो मैंने बोला उसको तो दोनों तरफ फास्ट होने लगे सर मेरा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चल रहा है जी दोनों साइड सही चल रहा है। दोनों तरफ सही चल रहा है सर, और लेफ्ट राइट बोला, नाम पूछा तो सही एक्यूरेट बता रहे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड, ये आप लोगों की मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू। आपकी खुद की एनर्जी से सर।
जी नीता जी बोले बोले फटाफट। सर सर मेरे को ये पूछना है, मेरे को क्लास तो ज्वाइन करना है पर उसमें सिर्फ ओनली यस और नो का रिप्लाई आएगा कि कुछ और भी है, हम लोग को अरे उसमें आंसर। आएगा आएगा, प्रभु मैं कहाँ अभी थे यस में तो आप? सिखा दिया आपको, और क्या सीखोगे। हैं 4,000 में बच गए आपके, बोला दिख रहे। तो उसमें आएगा रिप्लाई कुछ यस और नो ही आएगा ना? सब कुछ आएगा मैम, प्रभु अच्छा, और बहुत कुछ सेकंड सीखने दूसरे, वाले हो। ओके, तो ये जो हम जो सीखेंगे तो फैमिली में हम जैसे चार मेंबर्स हैं तो चारों चारों ये यूज कर सकते हैं पेंडुलम नहीं जो हम नहीं बनाए, नहीं ओनली एक जो पर आप जिसका है वो यूज करेगा, उनके जिसका लिए है वो अलग अलग यूज। बनेगा सबके लिए एक अलग। टिकट पे, एक टिकट पे हवाई यात्रा पे 4 बंदे करते हैं क्या? नहीं तो वही मैं ऐसे, अगर एनर्जी वो पेंडुलम में एनर्जी आएगी ना, आप क्लास हमें भी क्लास एनर्जी क्लास डालेंगे ना? वो एनर्जी आपके यस साथ कनेक्ट करेंगे क्लास के अंदर, बताएंगे आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और क्यों करना है। ओके ओके। और अभी जो हमने घर की चाबी में बना दिया, अब उसका यूज कैसे अब क्या करते हैं, करना है? अभी 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 उसका करते हैं। बताता हूँ, 2 मिनट रुको, बस रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद यूज कर सकते विजय भाई हैं। काम करते हैं, डिस्कनेक्ट करा चलो देते हैं, इस बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल। 7:30 हाँ नाउ। जी, क्या कह रहे हैं रोशनी जी, फटाफट बोलो क्या कहना चाह रहे हो, अनम्यूट करना, अनम्यूट करो। किसको नाम बोलो रोशनी अडवाणी साहब हमारे। जी, अडवाणी जी। अरे सर मुझे नहीं पता कि क्लास मेरे से कैसे क्लिक हो गई, मुझे मेरे पास प्लान नहीं था कि मैं क्लिक करने वाली हूँ, और अच्छा मेरे पास कम से कम ऐसे ब्राउजर 10 ब्राउजर पड़े हुए हैं और मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था, मैं ब्राउजर अपने जैसे आप को सर रिकॉल कर ने, लेता मैम, अपने गुरु को, गुरु आपको रिकॉल कर लेता अपने आप। तो मेरे पास कब से मेरे सेफ में पड़े हुए हैं 10 तरीके के ब्राउजर मैंने रख लेके रखे हुए थे, और मैंने ये रोज क्वार्ट्ज का भी निकाला और उनका नाम रख दिया मैंने, और मुझे मालूम ही नहीं है कि इतनी जादू की चीज है। बहुत जबरदस्त, आई एम ब्लेस्ड कि मैंने आज क्लास क्लिक करी है, अदरवाइज मिस हो जाती। कोई बात, गॉड ब्लेस, थैंक गॉड ब्लेस। ये ड्राउजर है यू सर। एक छोटा सा, वो भी बताता तो हूँ, अगर आप लोगों को टैरो सीखना है और बड़ी इच्छा हो रही है टैरो सीखने की या कोई भी एनर्जी, उस एनर्जी को घर पे लाके रख लो, अपने आप आपका गुरु आपको सही सानिध्य में पहुंचा देगा। राइट करेक्ट करेक्ट। जी, डन चलिए अब एक डन। काम करेंगे, आप सब लोग आराम से सीधा बैठेंगे। विजय भाई पहले हील भी साथ साथ करेंगे तो हाँ, पानी की हील बोतलें मंगवा करूंगा, लो, पानी की बोतल नहीं है तो पानी की बोतल रख एक लो एक। एक पानी की बोतल अपने पास रख लो। जितेंद्र बाजी गल कर दे थोड़े, गल 2-5 मिनट रुक जाओ, गल करके जावांगे थोड़े को। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप दवाई भी लेते हो, कोई मेडिसिन लगते हो तो मेडिसिन भी रख सकते हो, बाम या कोई मेडिसिन रखनी है रख सकते हो, क्योंकि तो वो भी अभी हील ब्लास्ट होगी, वो हील होगी तो उससे भी आपको मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट सो अब जो विजय भाई हील करेंगे उसके अंदर मैं बहुत समय, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आप सबको एक जगह बैठना है, विजय भाई की आवाज को फॉलो करना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल इसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, दिस इज अ 3540-7080 रुपीज का ये कोर्स है। 3540 में मैं पहले दिन का फर्स्ट डे का ऑफर दे रहा हूँ, कल इसका प्राइस क्या जाएगा वो आपके चॉइस है। अंको अखेन के अंदर आपको पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप से लिख देना पेंडुलम ड्राउजिंग का कोर्स डिटेल या पेमेंट डिटेल, मैं डिटेल्स भिजवा दूंगा। स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है, 5 बजे और 9 बजे दोनों में से एक बैच आप लोगों को मिलेगा जो आपकी चॉइस हो। राइट 3 वीक्स का ये कोर्स जाएगा बहुत अमेजिंग तरीके से। जी विजय भैया चलिए, राधे राधे बोल, जय गुरु जी। रेडी? बच्चे आ रहे हैं सर, गए हुए पानी की अच्छा बोतल अभी रह लेने गए, के ठीक लिए। हाँ आ रहे है हैं, आ रहे हैं पीछे कुछ लोग, आ रहे हैं, खा लेने दो। बिल्कुल सीधा बैठेंगे हम सब, जितने भी लोग, बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करेंगे और अपनी कमर को सीधा रखेंगे। कमर अपन को सब सीधा का जने, मतलब मैं निवेदन सीधा करूंगा, रखेंगे। पानी और सॉल्ट आपके पास है, सॉल्ट पहले पहले रखवाया था आप सबके पास, ठीक है मेडिसिन्स रखें। रख सकते हो आप, फैमिली की मेडिसिन्स रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए आ गए, आई थिंक सब लोग आ गए होंगे। हाँ विजय भाई स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो आप। जी। ये हीलिंग सिर्फ आप लोगों के लिए है।